गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए बहुत बेहतरीन गर्दे वाले क्लास में। धांसू सर आपका स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, कल क्लास नहीं हुआ तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। कुछ इमरजेंसी था जिसकी वजह से बेटा कल क्लास नहीं कर पाए थे, पर आज बहुत ही गर्दे वाला क्लास नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 7। जल्दी से जल्दी आ जाइए और थम्सअप कर दीजिए। आवाज़ मेरा अगर क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, जो नया बच्चा है वो इंट्रोडक्शन दे दे, जो पुराना बच्चा है वो इसको लाइक करे, शेयर करे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दो। आज बहुत ही तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन, धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मेरे प्यार प्यार बच्चों। जल्दी से आ जाइए स्पीड के साथ, महाकाल के आशीर्वाद से जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। देखिए मैं जो स्पेशल क्लास लेके आता हूँ आपके लिए SSC के बच्चों के लिए, मैं फिर बता देता हूँ, मेरा जो स्पेशल क्लास है वो SSC के बच्चों के लिए है भैया, रेलवेज के लिए है, ऑल एग्जाम, इस बात को समझिए। SSC के, रेलवेज के, ऑल एग्जाम्स के बच्चों के लिए मैं क्लास देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी परीक्षा में गणित आता है, मैथ आता है, तो भैया धांसू सर का क्लास लेना मत भूलिए। बहुत ही गर्दे वाला शानदार जबरदस्त क्लास आपका जो है। देखिए मैं आपके लिए कोर्स भी ले आया हूँ, 90 डेज का एक बैच लेके आया हूँ प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पे मैं लेके आया हूँ भैया, प्लस पे एक कोर्स लेके आया हूँ, अर्थमेटिक प्लस एडवांस का मेरा फर्स्ट कोर्स है, मेरा फर्स्ट कोर्स है अर्थमेटिक प्लस एडवांस का, पहला कोर्स है, फर्स्ट कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे। अभी तक एक बेसिक कोर्स था, पहला कोर्स है जो मैं कंप्लीट मैथ, कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो है अर्थमेटिक प्लस एडवांस का, बेसिक से लेकर, बेसिक से लेवल एडवांस लेवल तक का जो है। भाई थम्सअप करते चलो अगर आवाज़ क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भाई थम्सअप भी करते चलिए, अगर आवाज क्लियर आ रहा तो थम्सअप कर दिया करो। हाँ थम्सअप 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 थम्सअप, जल्दी से जल्दी थम्सअप कर दो। बहुत बढ़िया शानदार शानदार भैया, फटाफट फटाफट आइए, जल्दी से जोड़ते चले जाइए, शेयर करते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए। बहुत गर्दे वाला क्लास है भैया आज, मजा आएगा आपको जो है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये बैच आ रहा है, ये बैच कब आ रहा है, 20 अगस्त को आ रहा है, मैं टाइम बता देता हूँ, 20 अगस्त को इस बैच को हम लॉन्च करें, 20 अगस्त को इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं, 20 अगस्त को टाइमिंग इसकी रहेगी, शाम को टाइमिंग रहेगी भैया, शाम को आएगा ये, शाम को 5 से 6 बैच चलेगा। और कोड भी इसमें जो लगाओगे, कोड लगाओगे भैया इसमें धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर, हमारा कोड लगाइए, हमारे कोड से इसको परचेज कीजिए, ठीक है। 20 अगस्त को, इसी 20 अगस्त को बिल्कुल बेसिक लेवल, जीरो टू हीरो एक तरह से समझिए, बेसिक से एडवांस लेवल का ये बैच मैं लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे, मेरा पहला बैच है, फर्स्ट बैच है। जो बच्चा चाहता है भैया एक ही बार में सरकारी नौकरी, 2020 में सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप इस बैच को ले सकते हो, ठीक बात है कि नहीं। हाँ ये पेड कोर्स है मेरे बच्चे, मैं पहले बता देता हूँ, बहुत बढ़िया बैच है, अनअकैडमी प्लस पे आ गया है। हाँ चलो भाई, ये हमारा शेड्यूल है, रोज 12 बजे क्लास चलती है, ये आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो भैया जिसको ट्रिक सीखना है, और ये आपका जो दोपहर को 12 बजे कॉन्सेप्ट का क्लास होता है इसको भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अर्थमेटिक एडवांस दोनों क्लास मेरी इस पे वाईफाई स्टडी पर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। महामैराथन की जो मैं बात करता था, और ये आपका जो है, हाँ कल आपका महामैराथन, जितने बच्चे आज देख रहे हैं वीडियो को या क्लास के बाद जो वीडियो देखेगा, कल महामैराथन जो होगी, जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए स्पीड के साथ, एकदम शेयर करते जाइए, कल जो महामैराथन होगी वो हाइट एंड डिस्टेंस पे होगी, और परसों जो महामैराथन होगी, कल महामैराथन आपकी हाइट एंड डिस्टेंस पे, परसों आपकी जो हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर हमारा बचा हुआ था, और परसों हम लेंगे 2D के जो सवाल, 2D पे हमारी होगी, क्षेत्र में थी 2D पर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ अब देखिए अनअकैडमी पर जो ये क्लास है, ये आपके 10 बजे क्लास है, ये हमारी 2 बजे की जगह, ये हमारी जो क्लास है, इस क्लास का हमने थोड़ा टाइम चेंज कर दिया, अब 2 की जगह ये हो गया 4 बजे, ये 4 PM पे क्लास है हमारा एडवांस का, अर्थमेटिक का क्लास हमारा। देखो बेटा अर्थमेटिक आपको मिलेगी ये, और एडवांस मिलेगी आपको ये, और 10 PM पे ये आपका महामॉक है, पर ये सिर्फ सैटरडे को आपको मिलेगा, महामॉक मिलेगा सैटरडे को, ओनली फॉर सैटरडे, और ये संडे को आपको जो मिलेगा 12 बजे, संडे को 12 बजे ये आपको मिलेगा, संडे को महामैराथन आपको, संडे को 12 बजे, संडे को 12 बजे महामैराथन आपको मिलेगी, ये संडे को 12 बजे महामैराथन आपको, ये संडे को है आपका, ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया हमने शेड्यूल में मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी भाई लाइक और शेयर करते चलो स्पीड के साथ एकदम, ये संडे को आपको मिलेगा महामैराथन, ठीक बात है। हाँ क्लियर है, ये 4 क्लास से आपको अनअकैडमी फ्री मिलेगी, रोज सुबह अनअकैडमी पे 10 बजे मेरा क्लास चलता है, अर्थमेटिक चल रहा है भैया, इसमें रेशो चैप्टर चल रहा है, नाम भी बता देता हूँ, रेशो चैप्टर चल रहा है, फ्री क्लास का शेड्यूल बता रहा हूँ, रोज एडवांस में चल रहा है भैया, इसमें ट्रिगो चल रहा है, और हर सैटरडे को मैं टेस्ट लेता हूँ महामॉक टेस्ट आपका भैया, जो आपको 5 दिन पढ़ाया 6ठे दिन उसका मैं टेस्ट ले लेता हूँ, 5 दिन जो पढ़ाया 6ठे दिन में उसका टेस्ट, भाई स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर करते चले चलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ये आपका रेफरल कोड है धांसू सर भैया, अगर देखिए हमारा नया बैच आ रहा है 20 अगस्त को, मैं बैच को लॉन्च कर रहा हूँ भैया, सभी विद्यार्थी 20 अगस्त को ये जो बैच आ रहा है, जो भी बच्चा इस बैच को लेगा भैया हमारा कोड लगाएगा धांसू सर, हमारे कोड से इसको खरीदेगा DHASU धांसू SIR सर, मेरे कोड से खरीदना बेटा, 10% का रिबेट मिलेगा, हमारा कोड है DHASU, बहुत आसान है धांसू सर, बहुत प्यारा कोर्स लेके आ रहा हूँ भैया, आप इस कोर्स को लेने के बाद आपकी नौकरी पक्की है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सभी एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट मैथ का कोर्स है,
और ये थोड़ा पोस्टपोन्ड कर दिया हमने, जो कोर्स हम लेके आ रहे थे मेंस का कोर्स, इसको हम जो है इसको सितंबर और अक्टूबर में लेके आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है। चलो भाई जल्दी से, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं फिर बता देता हूँ, आप किसी भी ग्रुप के साथ जुड़े हो, मेरा नहीं है। 11.4 स्टूडेंट इसमें हैं, 11,400 बच्चा है, ये मेरा ओरिजिनल ग्रुप है। मेरा नाम होगा मैथ्स बाय धांसू सर दलवी नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है, अन अकेडमी पर इसके साथ नाम लिखा होगा दलवी नागर मेरा जो ग्रुप है, और जो भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसके ऊपर जो लिंक पीपीटी में जो ऊपर पट्टी होती है ना उस पर लिखा हुआ है। ठीक बात है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम का फायदा ये होता है, यहाँ आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ जाते हो, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट, परेशानी सब कुछ शेयर कर सकते हो। अन अकेडमी पर मेरी क्लास को फॉलो कर लीजिए माय डियर, जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका नया चैनल है, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, यहाँ पर आपको ट्रिक्स कॉन्सेप्ट की वीडियो रेगुलर 12 बजे मिलती है। चलो बेटा चलते हैं भाई आगे, ये फाउंडेशन कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, अब मैं नया कोर्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कंप्लीट मैथ का जो है 20 अगस्त से जो लॉन्च हो रहा है, इसी 20 अगस्त से हम लॉन्च कर रहे हैं ये कंप्लीट मैथ का कोर्स हम लॉन्च करें 20 अगस्त से भैया, उस कोर्स को आप लीजिए, बहुत बढ़िया कोर्स आपके लिए। मैथ्स बाय धांसू सर दलवी नागर मेरा नाम लिखा होगा, दलवी नागर ही, हाँ मैथ्स बाय धांसू सर, ये टेलीग्राम का मैंने ऊपर भी डाल रखा है, ये टेलीग्राम का दलवी नागर के नाम से, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप जल्दी जल्दी, कोड है हमारा धांसू सर, ये मेरा कोड है, ये धांसू शर्मा बच्चों, हाँ भाई लाइक और शेयर करते चलो। ठीक बात है कि नहीं, नंबर सिस्टम क्लास नंबर 7 की तरफ हम चल रहे हैं, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, हाँ क्लास नंबर 7 की तरफ हम चल रहे हैं, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, स्पीड के साथ सब लोग जुड़ जाइए भैया, थोड़ा सा बहुत बेहतरीन और गर्दे वाला क्लास है भाई, मज़ा आने वाला है, मज़ा बहुत तगड़ा क्लास है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको जो है मज़ा आ जाएगा आपको, एकदम चिंता करने का जरूरत नहीं, आप कहोगे सर एकदम मज़ा आ गया, एकदम बहुत बढ़िया शानदार और जानदार क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, देर मत करिए, शेयर और लाइक करने में कंजूसी नहीं करने का बेटा, शेयर और लाइक में कंजूसी नहीं चलेगा, हाँ भाई शेयर और लाइक में कंजूसी नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से शेयर कर दो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ, फटाफट से शेयर कर दो भैया इसको, देखो कल भी क्लास नहीं हुआ था, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, मैं क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, आपको पता है बढ़िया बढ़िया सवाल, वो सवाल जो आपको करने में परेशानी होती है, और मैं आपको एक एक सेकंड में क्वेश्चन को निकालना सिखा देता हूँ, फटाफट से शेयर कर दो। चलिए हर हर महादेव, बहुत बढ़िया, देखो भैया क्लास नंबर 7, पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ उस चीज़ का, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों में, मैं क्वेश्चन को ट्रिक से करवाऊंगा पर थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, बेसिक थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आज जो हम सवाल पढ़ेंगे ठीक है ना, यूनिट वैल्यू का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जिसको आप कहते हैं इकाई अंक, हाँ यूनिट वैल्यू, यूनिट प्लेस, हाँ इकाई अंक, यूनिट वैल्यू का क्वेश्चन पढ़ेंगे, इकाई अंक का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है इकाई अंक का क्वेश्चन पढ़ेंगे, यूनिट वैल्यू का थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा किसी भी अंक का इकाई अंक क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो मैं फिर ट्रिक पे लेके चलूंगा, मैं सीधा ट्रिक से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, पर थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर आप ये मत करना सर बेसिक नहीं पढ़ाते बिल्कुल भी, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए क्योंकि बेसिक से एडवांस चलेगा ना। देखो किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक का मतलब समझ रहे हो, यूनिट वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, किसी भी संख्या का इकाई अंक बेटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद तो 10 में 0 ही आ जाता है ना, 9 के बाद तो 10 में 0 ही आ जाता है, यूनिट वैल्यू हो सकता है मेरे प्यार बच्चों। भाई लाइक और शेयर स्पीड के साथ करते हुए चलिए, आप देखिए आप ध्यान से ट्रिक लिखते जाइए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ट्रिक, मैं यहाँ पर ट्रिक देता जाऊँगा, ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक ये है, ट्रिक या कॉन्सेप्ट आप जो भी समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट आप जो भी समझ लीजिए, ट्रिक, हाँ ट्रिक या कॉन्सेप्ट आप जो भी समझ रहे हो, देखो सबसे पहला कोई भी अगर नंबर आपका दे रखा है, अगर नंबर आपका 1 दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर आपका 1 दे रखा है, 0 है, 5 है और 6 है, अगर इन संख्याओं का आपसे यूनिट वैल्यू कहने लगे कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, ठीक बात है कि नहीं है, अगर आपका 0 दे दिया, हाँ अगर आपका ये दे दिया, आपका 0 और ये दे दिया, 0 दे दिया, 5 दे दिया, तो इनका इकाई अंक सेम वैल्यू होता है, लिखो भैया सेम वैल्यू होता है, इनका इकाई अंक हमेशा सेम वैल्यू होता है, इनके इकाई अंक की बात करें, हमेशा यूनिट वैल्यू की बात करें तो हमेशा सेम वैल्यू होता है, याद रखिए कैसे मैं समझा देता हूँ, इनका हमेशा सेम वैल्यू होता है, सेम वैल्यू का मतलब समझे, 1 की पावर 1 करिए 1 आता है, 1 की पावर 2 करिए तब भी 1 आता है, 0 का पावर 1 करिए, 0 की पावर 100 करिए तब भी क्या आएगा, 0 ही आ गया,
पांच की पावर एक करोगे तो पांच आएगा, पांच की पावर दो करोगे तो कितना आएगा 25, तब भी पांच आ रहा है, ठीक बात है कि नहीं है। और भैया छः का पावर दो करोगे तो 36 आएगा, छः का पावर तीन करोगे तो 216 आएगा। हाँ 216, देखो पाँच के में पाँच पाँच आता चला जाएगा, चाहे पावर समय समय छः के में छः छः आता चला जाएगा, छः से गुना होगी छः छः छत्तीस छत्तीस छत्तीस। तो हमेशा अगर आपसे जीरो का एक का पूछे, एक का एक आएगा, जीरो का जीरो आएगा, पाँच का पाँच आएगा, छः का छः आएगा, कितनी पावर हो उसकी, एक दो तीन चार पाँच, हमेशा सेम होता है, सेम वैल्यू होता है। इस बात को आप समझ गए, मेरा कहने का मतलब है ये सबसे आसान है कि अगर आपको देखो मेरा कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, एक एक जीरो एक मैं जीरो एक पाँच और छः, ये हो गया भैया जीरो एक पाँच और छः का क्या हो गया सेम वैल्यू, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ सेम वैल्यू, समान होता है, सेम वैल्यू होता है, समान होता है, बिल्कुल समान होता है, सेम वैल्यू आ जाता है, ठीक बात है, लिख दिया है सेम वैल्यू होता है, ध्यान से सुनते जाइए। अब आते हैं ध्यान से सुनिए, अब मैं दो की पावर कहता हूँ, दो की पावर एन का यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू बेटा लिखते जाइए, मैं फिर एक साथ बता दूंगा कंसेप्ट को, यूनिट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, दो की पावर एन का यूनिट वैल्यू ऐसे करेंगे, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन और दो की पावर चार, दो एकम दो होता है, दो दुना चार होता है, दो दुनी चार दुनी आठ होता है, दो चार दुनी आठ दुनी सोलह, बेसिक बता रहा हूँ पहले बेसिक, आप ये कहते हो सर बेसिक, फिर सीधा सवाल पे लेके चलूंगा, चुटकियों में क्वेश्चन उठवा दूंगा, लाइक और शेयर करते चलिए, लाइक और शेयर। देखें दो की पाँच करेंगे दो चार दुनी सोलह दुनी बत्तीस होता है, ध्यान से देखिए मेरी इस बात को, ट्रिक समझते जाइए। देखिए चार तक हम लेंगे, दो की पावर एक होगा तो दो होगा, दो होगा तो चार होगा, तीन होगा तो आठ होगा, ये सोलह होगा, सोलह का मतलब इसको छः को लेंगे, इकाई अंक होगा ये, यूनिट वैल्यू का मतलब होता है इकाई अंक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इकाई अंक, ध्यान से सुनते जाइए, हाँ इकाई अंक होता है। देखो दो की पावर अगर पाँच करता हूँ तो दो फिर रिपीट हो गया, ये दो रिपीट हो गया, अगर दो की पावर में छः करता हूँ 64, फिर देखिए ये फिर रिपीटेशन होती चली जाएगी, ये रिपीट होते चले जाएंगे नंबर, नंबर आपके रिपीट होते चले जाएंगे, देखो नंबर रिपीट हो रहा है, बत्तीस दून 64, ठीक बात है कि नहीं, दो की पावर सात करूँगा तो कितना आएगा 128, ठीक बात है कि नहीं, देखो नंबर रिपीट होता चला गया, ये नंबर की रिपीटेशन आती चली जाएगी। तो सिर्फ हम चार तक काउंट लेते हैं, चार तक लेते हैं हम, सिर्फ चार तक, बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर चार तक क्यों लेते हैं, अब आप कॉन्सेप्ट को सीखे, जो मैं ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, कोई भी पावर आपको दे रखी हो, चाहे पावर सम है चाहे पावर विषम है, मान लीजिए दो एक ऐसा दे रखा है, दो दे रखा है, अब इसकी पावर या तो सम होगी मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझिए, या तो इसका पावर सम होगा या इसका पावर विषम होगा, इवन या ऑड नंबर कोई भी पावर दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि भैया इकाई का अंक बताइए, तो आपने कुछ नहीं करना, पावर सम है या विषम है याद रखिए, आपने सिर्फ क्या करना है चार से भाग करना है, किससे भाग करना भैया चार से, याद रखिए आपने क्या करना है, दो की पावर सम हो या विषम हो हमेशा चार से भाग करिए, जब आप चार से भाग करोगे, दो की पावर अगर चार से भाग होगी तो इकाई का अंक सदैव क्या आएगा, चार से भाग करोगे जब छः, अगर देखिए चार आएगा, दो की पावर अगर चार आएगा ठीक है ना, ये एक समसंख्या है, और अगर ये चार से पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखो दो की पावर अगर ये चार से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इकाई का अंक सदैव छः आएगा, इकाई का अंक सदैव क्या आएगा छः, देखिए दो की पावर चार ये चार से जा रहा है, मैं कहता हूँ दो की पावर चवालीस है, इसका बताइए इकाई अंक क्या आएगा, दो की पावर चवालीस का क्या आएगा, ये चार से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, तो इकाई का अंक क्या आएगा भैया छः आएगा। अगर मान लीजिए दो की पावर ये है 43 है तो ये चार से पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसको चार से भाग करेंगे, तो इसको चार से भाग करेंगे, चार से पूरा भाग जा रहा है तो पूरा भाग जाएगा छः, तो चार से भाग करेंगे चार दहाई 40, तो बस क्या बचेगा दो की पावर तीन, और दो की पावर तीन का इकाई अंक क्या होता है बेटा आठ होता है, दो की पावर तीन का इकाई अंक आठ। भाई जल्दी से थोड़ा सा नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर सीधा सवाल पर लेकर आऊँगा बेटा, पहले मैं नोट कर लीजिए प्लीज़, फिर मैं सवाल पर लेकर आऊँगा जल्दी से। हाँ दो का और आठ का सेम होता है, अब आप एक बात को समझिए, दो का आठ का ये नोट कर लिया है सभी ने, ध्यान से सुनते जाइए, हाँ दो का आठ का याद रखिए, दो का आठ का अगर मैं आठ की बात करता हूँ, देखो आठ का पावर एक, आठ का पावर दो, आठ का पावर तीन, आठ का पावर चार, आठ का पावर एक आठ होता है, आठ का सोलह, आठ आठ चौंसठ होता है, आठ आठ चौंसठ 512 हो गया, और अगर मैं इसको आठ से करूँगा, आठ दून सोलह, आठ एक आठ, आठ एक नौ, आठ पंच 40, ये देखिए आठ के में भी अगर चार से भाग होगा, आठ की पावर अगर चार से भाग होगी तो इकाई का अंक सदैव क्या आएगा छः आएगा, इसका मतलब मुझे यहाँ से कंसेप्ट मिल गया है, मुझे यहाँ से मिल गया है, ध्यान से देखिए अगर दो की पावर n और अगर चार की पावर, हाँ दो की पावर n और आठ की पावर दे रखा है, अगर आठ की पावर n दे रखा है, इसमें दो बातें होंगी, या तो हाँ या तो ये पावर चार से भाग होगी, अगर ये पावर चार से भाग होगी, बात को समझने की कोशिश करना, अगर ये पावर चार से भाग होगी, पावर जो n है वो चार से भाग होगी, तो इकाई का अंक जो होगा सदैव, इकाई का अंक जो सदैव आएगा वो आपका चार से भाग होगी, तो इकाई का अंक सदैव क्या आएगा छः होगा, इकाई का अंक सदैव।
दो की पावर और आठ की पावर अगर चार से भागोगी, दो की पावर, देखिए मैं कहने का मतलब ये है, अगर दो की पावर, दो की पावर चार हो और आठ की पावर चार हो, तो याद रखिए इकाई का जो अंक होगा ना सदैव, इकाई का अंक सदैव छः आएगा, इकाई का अंक सदैव, ऐसे नोट कर लीजिए, दो की पावर चार, आठ की पावर चार, मतलब दोनों भाग अगर चार से भाग होती है तो इकाई का अंक छः आएगा। ऐसे ही याद रखिए तीन का पावर अगर मैं लेता हूँ, तीन का पावर एक, तीन का पावर दो, तीन का पावर तीन, तीन का पावर चार, या तो चार से भाग होगा, अगर भाग नहीं होगा तो फिर भाग करेंगे उसको। तीन का देखो, तीन तीन तिया नौ, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस हो गया, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तिया इक्यासी, हमेशा इकाई के अंक को लेना होता है बेटा, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, ये इकाई के अंक से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो अगर तीन का पावर भी चार से भाग होता है ना, सिर्फ एक ही कंसेप्ट काम आएगा, चार से भाग करिए, पावर को चार से भाग कर, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चार से पूरा पूरा भाग जाता है, तो तीन का पावर चार से भाग जाएगा तो एक आएगा। अगर मैं सात का देखता हूँ तो सात का सात आता है, सात का दो उनचास आता है, मतलब नौ आएगा, फिर सात का तीन आएगा तीन सौ तैंतालीस, और सात की चार जो आएगी ना वो आएगा सत्य इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस दो, और सत्य इक्कीस इक्कीस, और ये हो गया तेईस जीरो एक, देखिए एक आया, तीन का और सात का एक आता है, तीन की पावर चार से भागोगे तब भी एक आएगा, सात की पावर चार से भागोगे तब भी एक आएगा, बात समझ में आ रही है, तब भी एक आएगा। इस बात को समझते हुए चलिए, मेरा कहने का मतलब बेटा जी ये था, ध्यान से समझिए अब इस बात को। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस अब क्वेश्चन क्लियर, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अब ट्रिक लिख लो, जो मैं ट्रिक अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रिक है, आप सीधा सा ट्रिक लिख लो, ऐसे ट्रिक लिख दो भैया, ये ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो आप कहोगे, ट्रिक कह दो या कंसेप्ट कह दो, जैसा आपको उचित लगो। किसका भैया? इकाई के अंक का लिख लो भैया, अब मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट समरी में बता रहा हूँ, इकाई का अंक लिख लो ऐसे, इकाई का अंक, इकाई अंक और यूनिट डिजिट कह दो, यूनिट वैल्यू कह दो, यूनिट डिजिट या यूनिट वैल्यू, ठीक बात है कि नहीं? हाँ भाई, आप समझते जाइए ट्रिक और कॉन्सेप्ट, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, दो की पावर चार से, दो की पावर एन और चार की पावर, हाँ दो की पावर एन और चार की पावर, दो की पावर, हाँ ऐसा ना लिखिए, ऐसे करिए, दो की पावर चार से भाग होगी और आठ की पावर अगर चार से भाग होगी, तो याद रखिए इनका यूनिट वैल्यू हमेशा सेम होता है, इनका जो इकाई अंक होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो इकाई अंक होगा, अगर ये चार से भाग होंगे, इनका इकाई अंक जो होगा वो सदैव क्या आएगा, वो सदैव छः आएगा, वो लिख लो भैया, वो सदैव क्या आएगा, छः आएगा, दो की पावर चार से भाग होगी, आठ की पावर चार से, सदैव छः आएगा, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ, तीन का पावर चार से भाग होगा या सात की पावर चार से भाग होगी, तो इनका जो इकाई अंक होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, याद रखते जाइए, इनकी जो इकाई अंक होगी, यूनिट वैल्यू जो इनकी होगी, वो सदैव क्या होगी, एक होगी, ऑलवेज लिख रहा हूँ मैं, साथ के साथ देखते जाइए, ऑलवेज सदैव क्या होगी बेटा, एक होगी, नहीं तो उसको चार से भाग करेंगे। क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, चिंता मत, क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ गया जीरो का, एक का, पाँच का और छः का, इनका हमेशा क्या होता है, इनका हमेशा होता है सेम वैल्यू, लिख देता हूँ, इनका हमेशा सेम वैल्यू, वही नंबर रहेगा जो नंबर है ऑलरेडी, सेम वैल्यू, इनका हमेशा सेम वैल्यू रहेगा। दो का चार का अगर चार से भाग होता तो इकाई का अंक छः आएगा, तीन का चार का होता तो हमेशा एक आएगा सदैव, और इनका हमेशा सेम वैल्यू रहेगा, जीरो का जीरो, एक का एक, छः का छः, इनका इनकी पावर एन दे दिया तो इनका पावर कुछ भी दे दे, सम और विषम सेम वैल्यू रहेगा। अब आ जाते हैं चार का, अब आ जाते हैं चार का और पाँच का, देखो भाई चार का देखो, चार में दो बातें होंगी, चार में होगा सम और चार में होगा विषम, चार की पावर सम और विषम, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही नौ होगा, नौ में भी होगा सम और विषम, नौ की पावर सम होगी और नौ की पावर विषम होगी, सम और विषम का मतलब सब समझते होंगे ना, इवन और ऑड नंबर, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है इवन नंबर, विषम का मतलब क्या होता है, जो मैं हिंदी में कह रहा हूँ, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। देखो बात को समझिए, ये ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रिक मैंने जो बॉक्स में बंद कर दी, यही आपकी ट्रिक है, ये जो बॉक्स में मैंने आपके लिए बंद कर दी है, ध्यान से समझिए, नौ की पावर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये चार की पावर सम, देखो चार का पावर एक, चार का पावर दो, चार का पावर तीन, चार का पावर चार, चार एकम चार हो गया, चार चौक सोलह हो गया, चार चौक सोलह चौका चौंसठ हो गया, चार चौक सोलह चौका चौंसठ, ये देखो चार की पावर अगर विषम संख्या है तो विषम में देखिए चार आ रहा है, विषम में चार आ रहा है तो विषम में हमेशा क्या आएगा, चार आएगा, मैं देखो लिख रहा हूँ, विषम में हमेशा चार आएगा, ठीक बात है कि नहीं, और सम में हमेशा कितना आ रहा है, छः आ रहा है, पावर सम है तो सम का मतलब इवन नंबर, देखो सम, सम मतलब इवन नंबर और सम मतलब ऑड नंबर, ठीक है। ऐसा ही नौ का देख लो, नौ का, नौ का एक, नौ का दो, नौ का तीन, नौ का एक नौ होगा, नौ का दो नौ नाम इक्यासी होगा, नौ का नौ नाम सात सौ उनतीस, देखिए जब नौ की पावर विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होती है तो हमेशा नाइन आ रहा है,
हमेशा 9 आ रहा है। ऑड नंबर होगी तो बहुत आसान होगा, सम संख्या होगी तो हमेशा 1 आएगा और विषम संख्या होगी तो हमेशा 9 आएगा। भैया ये नोट कर लो, ये ट्रिक है, ये धांसू ट्रिक जिसको आप कहते हैं ये है, लिख लो भैया इसको, यही है धांसू ट्रिक, लिख लो बेटा ये है धांसू ट्रिक। अब सवाल देखिए कैसे बनाते हैं, ये बेटा धांसू ट्रिक है, इसी को नोट कर लो और इसी से सारे सवाल आपसे बनवा दूंगा, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये आपकी धांसू ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ये है देखिए 2 की पावर को 4 से, अगर 2 की पावर 4 से भागोगे 8 की होगी तो हमेशा एकाएकांक सदैव क्या आएगा बेटा, एकाएकांक सदैव आएगा 6, याद रखिए एकाएकांक सदैव 6 आएगा। अगर 4 से भाग नहीं होगी तो उसको 4 से भाग करेंगे, 3 का पावर 7 का पावर का एकाएकांक अगर 4 से भाग होता है तो सदैव आएगा 1, नहीं होगी तो फिर उसको 4 से भाग करेंगे। 0, 1, 2, 3 जीरो का हमेशा 0 आता है, 1 का हमेशा 1 आता है, याद रखिए 0 का हमेशा क्या आएगा भैया 0, 1 का हमेशा 1 आएगा, 5 का सेम वैल्यू का मतलब और 6 का मतलब 6 आएगा, चाहे पावर सम हो चाहे विषम हो हमेशा सेम वैल्यू आता है। ठीक है, 4 जो नंबर है, 4 के लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखा दिया मेरे प्यारे बच्चों, 4 के लिए मैंने ये सिखा दिया अगर 4 आता है किसी भी संख्या की 4 की पावर सम होती है, सम का मतलब होता है इवन नंबर, तो हमेशा 6 आएगा यूनिट वैल्यू इकाईकांक, और विषम होती है तो 4 आता है। 9 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों सम में तो हमेशा 1 आएगा, विषम में हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। ये ट्रिक है, ये भैया धांसू ट्रिक है, अब इससे आप सवालों को बनाओगे फटाफट 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 फटाफट। चलो भैया आप क्वेश्चन पे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये ट्रिक है यूनिट वैल्यू की, हाँ ये यूनिट वैल्यू की ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ ये लिख दिया मैंने यूनिट वैल्यू, ठीक है ये यूनिट वैल्यू इकाई का अंक की ये ट्रिक है, ये लो भैया ये यूनिट वैल्यू लिख दिया इकाई का अंक की ये ट्रिक है, हाँ और ये बॉक्स मैंने आपके लिए बना दिया है, अब इसको आप नोट कर लीजिए भैया, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये यूनिट वैल्यू की आपकी ट्रिक है, इसी से क्वेश्चन दबा दब दबा दब। अब सवाल पे आते हैं 1 बाय 1, ठीक बात है कि नहीं, अब सवाल पे आ जाते हैं। ट्रिक क्लियर हो गया, चलिए अब सवाल पे आते हैं, आइए भाई पहला क्वेश्चन कपड़ महोदय, पहला क्वेश्चन लेकर आइए, ये लीजिए पहला सवाल आखिरी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चे, आप क्वेश्चन को रैपिड फायर तरीके से उठाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की 5, 5 बताइए फाइंड द यूनिट वैल्यू। टाइमर के साथ आते हैं, टाइमर के साथ आते हैं कंप्यूटर महोदय, टाइमर के साथ लेते हैं भाई, टाइमर के साथ, हे टाइमर जी आ जाइए, टाइमर महोदय आइए, ये भैया टाइमर महोदय आ गए, ये समझिए कि आपका लाइव टेस्ट चल रहा है, ये समझिए लाइव टेस्ट चल रहा है, ये काट दिया ये 0 0, 30 सेकंड का टाइमर, ओनली फॉर 30 सेकंड, गर्दा उड़ना चाहिए गर्दा, आपको जो ट्रिक सिखाया हूँ ऐसा ट्रिक सिखाया हूँ, गर्दा उड़ना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से, दबा के ठोके लाइक और शेयर एकदम जो है, चले भैया अटैक करिए, शाबाश 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 शाबाश। अब देखिए मैंने ट्रिक को आपको सिखा दिया है, अब सारे क्वेश्चन 20 सवाल 20 सेकंड में बनाइए जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार, कंप्यूटर महोदय टाइमर चल रहा है 20 22, ये आपको सिलेक्शन देगा इस टाइमर के साथ, स्पीड मेरी स्पीड के साथ मैच करिए, अब देखिए मजा आएगा, उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया, अब देखो कैसे चुटकियों क्वेश्चन बनेंगे, एक एक सेकंड में क्वेश्चन को निकालना सिखा दूंगा, एक सेकंड में सवाल को देखिए, क्वेश्चन देखने से खतरनाक लग रहा है कि नहीं लग रहा, खतरनाक है मास्टर जी, पर खतरनाक को बिल्कुल खत्म कर देंगे, गर्दा उड़ेगा मजा आता, दबा के लाइक और शेयर करना है, स्टॉप कर दिया, इतना समय नहीं लेंगे इतना समय नहीं लेंगे, किस किसने बनाया, हाँ बहुत बढ़िया, किस किसने बनाया, अरे गजब 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 गजब, शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ जोर से चले जाइए। देखो बेटा मैंने आपको एक नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट समझाया था, नंबर ऑफ जीरो मैंने बताया था, अगर 5 की गुणा किसी सम संख्या से करते हैं, 5 की गुणा सम संख्या से करते हैं, किसी भी सम संख्या का मतलब होता है इंग्लिश में इवन नंबर, इवन नंबर से करते हैं तो वो हमेशा 0 में कन्वर्ट कर देगा 5 की गुणा, इससे पहले एक कंसेप्ट समझाया था, इससे पहले क्लासेस देख लेना जो मेरी 5-6 क्लासेस हैं, 5 गुणा जब भी एक सम संख्या से करते हैं वो हमेशा 0 में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिए 5 की गुणा जब भी एक सम संख्या से, सम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, सम संख्या ये 5 की गुणा 2 से किया, 5 की गुणा 4 से किया, 5 की गुणा 6 से किया, मतलब जो संख्या 2 से भाग होती है उनको सम संख्या बोलते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 5 छांगे 30 हो गया, तो ये 0 में बना देगा कि नहीं बना देगा, अगर किसी संख्या में 0 तो वही तो उसका इकाई अंक हुआ, बस सवाल खत्म था, सवाल खत्म था बेटा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। देखो इसमें ये इसमें 5 था, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, तो 5 की गुणा सम संख्या से कर देंगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा जी, 0 में, अगर किसी संख्या में 0 गुणा में होगी तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, बताइए कितना देर लगा, बताइए ईमानदार से बताइए, गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, ये 5 और एक सम, ये भी सम संख्या है, 5 की गुणा जब भी एक सम संख्या से की जाती है, सम का मतलब इंग्लिश में होता है इवन नंबर, इवन नंबर से किया जाता है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, तो आंसर आया 0,
समझ गए बात को, याद रखिए आंसर जीरो करेक्ट आंसर था मेरे प्यारे बच्चे। अरे भाई गर्दा उड़ रहा है। चलो अगला सवाल ले लो भैया, अगला सवाल नंबर दो ले भैया। टाइमर महोदय जीरो, टाइमर स्टार्ट। अटैक करिए टाइमर के हिसाब से, अटैक करना होगा अटैक टाइमर पे, टाइमर के हिसाब से अपनी कलम को चलाइए। ऐसे रफ्तार दो कलम को, रफ्तार ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा, रफ्तार देना होगा तुम्हें जल्दी से, और जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम, जो कि सर गर्दा उड़ाना है। धांसू सर से पढ़ रहे हो, तुम्हारा स्पीड नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, बना के रहूंगा बेटा। गर्दा उड़ेगा मजा आएगा, अंदर से फील करोगे सर गर्दा उड़ता है। उड़ाइए जल्दी से क्वेश्चन को, एक एक सेकंड के सवाल हैं, एक एक सेकंड के सवाल हैं। हाँ भाई इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, आप समय ले रहे हैं। 30 सेकंड से ज्यादा का तो समय लगना ही नहीं चाहिए, चाहे सवाल कैसा भी हो। कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करिए। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए इस बात पे, इतना समय नहीं लगता। अरे गर्दा मेरे प्यारे बच्चे, इतना समय नहीं लगता। देखो सवाल को, ये सवाल ये है, ये 81 है, ये 82 है, फिर ये 83 है, फिर ये 84 है, फिर ये 85 है, फिर ये 86 है, और ऐसे ही ये 89 तक गुणा में हैं। मैंने आपको एक धांसू ट्रिक सिखाई है, वो ट्रिक क्या थी फिर दिमाग पे जोर डालिए। मैंने आपको एक धांसू ट्रिक सिखाई, वो ट्रिक क्या थी मेरे प्यारे बच्चे? वो ट्रिक ये थी कि 5 को देखेंगे और 5 के साथ कोई समसंख्या है, बिल्कुल समसंख्या है सर, 5 के साथ अगर कोई भी समसंख्या गुणा में आ जाती है तो वो उसको जीरो बना देता है। 5 के साथ याद रखिए, 5 के साथ जब भी एक समसंख्या गुणा में आ जाती है वो उसको जीरो बना देती है। बेटा क्या बना देती है? जीरो बना देती है गर्दा। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? आंसर इसका जीरो आ गया। बताइए कितना देर लगा? अरे 5 को देखिए, अगर 5 के साथ कभी भी इवन नंबर होता है तो जीरो बन जाता है इकाई अंक, हमेशा याद रखिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन लो जल्दी से। सवाल नंबर 3 टाइमर महोदय दे रहा भाई, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये टाइमर तुम्हारा बता देगा 2020 में नौकरी लगेगी, 21 में जाओगे, अगले साल के लिए तैयारी है इसी साल। बाकी हमारा ट्रिक करते जाइए, साल इसी में नौकरी दिलवा के रहूँगा। जोड़िए स्पीड के साथ बच्चों को दबा के एकदम, जो है दबा के जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम, जो है टाइम को देखते जाइए। ऐसा ट्रिक सिखा दिया हूँ बेटा, मुंह जवानी आंसर आना चाहिए, मुंह जवानी गर्दा होना चाहिए। ऐसे चलाइए कलम को मास्टर जी, ऐसे चला दूंगा, उड़ा दूंगा। जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम, जो है और गर्दा उड़ाइए। देखिए ये सवाल पेपर में पूछा जाता है हर साल SSC के अंदर, CHSL में, CGL में, UPSC में एक सवाल अटक जाता है, फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू। आज के बाद अगर ये टाइप आएगा तो तुम सॉल्व करोगे बेटा, ये मेरा वादा है। इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। इन देर में सवाल हो जाता है, टाइम को खराब नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, हमेशा याद रखिए यूनिट वैल्यू को लीजिए। अच्छा 4 से भाग करने का नियम सीखिए। मैंने क्या सिखाया, पावर को हमेशा 4 से भाग करना होता है। 4 से भाग करने का नियम होता है, लास्ट का 2 नंबर ले लीजिए, लास्ट का 2 नंबर इकाई और ढाई। 4 से भाग करने का नंबर होता है इकाई और ढाई की संख्या, अगर 4 से भाग होती है तो पूरा नंबर। इकाई का मतलब यूनिट, इसका मतलब 10 प्लेस। अगर 2 नंबर, जैसे कि मान लीजिए ये है 128 है, तो मतलब ये इकाई और ढाई, ये लास्ट के 2 नंबर जो होते हैं ना, ये 2 नंबर अगर ये 4 से भाग होंगे तो ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी, याद रखिए। तो ये 4 से भाग करने का नियम है, ये 4 से भाग करने का, कोई भी बड़ा नंबर है, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए ये नंबर है। अब आपको कैसे पता ये नंबर 4 से भाग होगा? आप क्या देखोगे, बस लास्ट का 2 नंबर देखिए। अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से भाग होते हैं, लास्ट का इकाई और ढाई 4 से, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी। ये है 4 से भाग का नियम, डिविजिबिलिटी, 4 से भाग का नियम, बस ये याद रखिए। सवाल यहीं खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ देखो जो मार्क कर रहा हूं मैं, 7 को लेंगे यहां से, 1 1 के पावर कुछ भी करिए एक ही आता है, बताया था ना, 1 का सेम वैल्यू आपको बताया था। तो 7 को लिया, लास्ट का 2 नंबर लेना है हमेशा, 99 को ले लिया, प्लस में 1 का कुछ भी कर लीजिए, 1 का तो हमेशा 1 ही होता है, 1 का तो हमेशा 1 ही होता है, माइनस यहाँ 7 को लिया, लास्ट का 2 नंबर लिया, लास्ट का 2 नंबर ले लिया 99। कुछ भी नहीं करना था, कितना आसान सवाल बेटा जी दिया हूँ, कितना आसान सवाल दिया हूँ, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। सरकारी नौकरी हार्ड वर्क की नहीं है, स्मार्ट वर्क की होती है। मजा आए तो दबा के लाइक शेयर कर चलिए। प्लस माइनस कट गया, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 1। सरकारी नौकरी भैया हार्ड वर्क की नहीं है, स्मार्ट वर्क की है। आपसे सवाल बनवा रहा हूँ, मैं खुद कम बनाऊंगा क्योंकि मैंने ट्रिक सिखा दिया आपको। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल लीजिए, लीजिए अगला सवाल, जल्दी से उड़ाइए। सवाल नंबर 4 स्पीड से उड़ाइए, स्पीड से। देखिए टाइमर, जल्दी यार, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से उड़ाइए, इतना समय नहीं है। क्वेश्चन को देखते मुंह जवानी उड़ाना सीखिए, जल्दी, फास्ट। आप देखने से सवाल बड़ा खतरनाक लग रहा है, अरे सवाल को मत देखो खतरनाक है, कंसेप्ट को देखिए, ट्रिक इसका जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। टाइमर स्टार्ट नहीं किया, सवाल कभी खतरनाक नहीं होते, आपके दिमाग की सोच उसको टिपिकल बना देती है। और मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखा रहा हूँ भाई, जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम, जो है गर्दा उड़ेगा, देखो एकदम, जो है ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। इन देर में सवाल हो जाता भाई, टाइम को स्टॉप कर, देखो हमेशा इकाई के अंक पर मार्क कर दो,
इकाई के अंक पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ, हमेशा इकाई के अंक पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ। जो इकाई का मतलब हिंदी इंग्लिश में यूनिट वैल्यू पूछ रहा है, यूनिट वैल्यू याद करें, इकाई के अंक पे सर्कल लगा दो, कुछ नहीं करना, बहुत स्मार्ट तरीके सिखा रहा हूँ। हमेशा इसकी गुणा करो, नौ चौक कितना हो गया 36, 36 हो गया ना, 36 का सिर्फ 6 लेंगे, 36 का सिर्फ 6 लेंगे, ये 36 आ जाएगा। तो 36 से मतलब नहीं है बेटा, 36 से मतलब नहीं है, हमेशा 6 को लीजिए, सिर्फ 6 को। अब इस 6 को अगले नंबर से गुणा करिए, इसका भी कितना आएगा 36 आएगा, इस 36 से सिर्फ 6 को लेना। हमेशा इकाई अंक को मार करते रहिए, इकाई अंक की गुणा यूनिट की गुणा करते रहिए, फिर 6 की गुणा इससे कर दीजिए, 6 की फिर 36 आ जाएगा। तो 36 का अगले क्या लेंगे 6, तो व्हाट इज द यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू 6, 6 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिल से बताइए सॉल्यूशन, मजा आ रहा है कि नहीं, दबा के लाइक और शेयर करिए एकदम, जो है अटैक करिए अगले क्वेश्चन पे, उड़ाइए उड़ाइए स्पीड के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए सब लोग, जो है थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। देखिए ये यूनिट वैल्यू है, हमेशा इसकी गुणा करनी होती है, हमेशा यूनिट वैल्यू की गुणा करिए बेटा, पूरे नंबर की गुणा मत करिए, इकाई के अंक की गुणा करिए, स्मार्ट तरीका सीखे, स्मार्ट तरीका सीखे इकाई के अंक का गुणा। एक से तीन एकम तीन हो गया, फिर तीन की गुणा इससे करिए, सात की 21, 21 का एक लेंगे, फिर एक से गुणा करिए 9, और फिर 9 से एक की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। कितना समय लगा, कितना समय लगा, रैपिड फायर चले, रैपिड फायर, रैपिड फायर। भैया एक की गुणा तीन से करो, तीन एकम तीन, फिर तीन की गुणा किससे करेंगे, तीन गुणा सात से सात, इक्कीस, इक्कीस का एक लेंगे, फिर एक की गुणा किससे होगी नौ से होगी, नौ एकम नौ लेंगे, फिर नौ की गुणा किससे होगी एक से होगी, नौ एकम नौ लेंगे। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ईमानदारी से बताइए। आपको सिर्फ इकाई के अंक की, इकाई के अंक की गुणा करिए, और जब भी दो डिजिट में नंबर आ जाए, अगर दो में आ जाए तो उसका इकाई का अंक लीजिए, हमेशा यूनिट वैल्यू लीजिए। मजा आ रहा है ना, अगले क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन पे चलिए स्पीड के साथ जल्दी से। ये सात की पावर, ये देखिए हमेशा आपको क्या देखना है, सात की पावर को देखना है और यहाँ एक की पावर को देखना है। जल्दी से टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, टाइमर स्टार्ट। हाँ भैया टाइमर जी जरूर, जल्दी से करिए स्पीड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर, जल्दी से सवाल को करिए, जल्दी से जल्दी अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको ट्रिक सिखा दिया हूँ तो आप क्वेश्चनों को उड़ाना सीखो यार, दबा के। सवाल आएगा इकाई का अंक याद करें, फाइंड यूनिट वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू, और लास्ट डिजिट आपसे सवाल पूछा जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, दबा के लाइक और शेयर, दबा के जोर से जाइए। मैंने क्या कहा, एक अगर इकाई कांग दे दे तो दिमाग पे प्रेशर नहीं डालने का, बिल्कुल नहीं डालने का, क्योंकि एक दे देगा तो हमेशा इकाई कांग एक ही आएगा। एक की पावर कितनी हो मुझे मतलब नहीं है, एक का हमेशा एक आता है, पांच का एक आता है, पांच का पांच, जीरो का जीरो, पांच का पांच, एक का एक, छह का छह, सेम वैल्यू होता है। यहां पे क्या देखना है, इस नंबर से मतलब नहीं है, इस नंबर से सिर्फ सात को देखो, सात को लास्ट नंबर को लो और सात की पावर भी लास्ट लो। ये लो 53, मैंने क्या सिखाया, ये 53 लो बेटा, ये 53 लो। मैंने सिखाया कोई भी पावर हो उसको हमेशा चार से भाग करिए, कोई भी पावर हो उसको हमेशा चार से भाग करिए मेरे प्यारे बच्चे। अब इस जो पावर आ गई अब इसको चार से भाग करना, बस चार से भाग करना है, तो इसको चार से भाग करोगे, चार एकम चार, चार एकम चार गया, एक बचा, फिर चार तीय बारह, फिर एक बचा, तो सात की पावर कितना बचा एक, भाई चार एकम चार, एक चार तीय बारह, एक सात की पावर एक इंटू में सात, हमेशा क्या आ गया भैया 7 इज द राइट आंसर। थम्सअप करते चलिए, थम्सअप जिसका आंसर एकदम ग्रैंड सलूट, थम्सअप थम्सअप थम्सअप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर। इस क्वेश्चन पे मार्कर नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन पे मार्कर नहीं चलेगा, इस पे मार्कर मत चलाइए, स्मार्ट वर्क यूज करिए, क्वेश्चन को गौर से देखिए, स्मार्ट वर्क यूज करिए। टाइमर को लगा देता हूँ, लो भैया टाइमर, 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 30 सेकंड, अपना स्पीड चेक करें बेटा। कंपटीशन में स्पीड का वैल्यू है, वो टाइम मैनेजमेंट ही तो है, कंपटीशन क्या है, अरे सरकारी नौकरी में टाइम का कीमत है मेरे लाल, सरकारी नौकरी को स्कूल कॉलेज का परीक्षा नहीं है, सिर्फ टाइम की कीमत है। आपकी स्पीड है तो नौकरी आपकी है, नहीं तो नहीं है। यहाँ देख टाइम को और उड़ा क्वेश्चन को कि सर मैं भी उड़ा सकता हूँ, मेरे अंदर वो जज्बात है, मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो आग है, नहीं है तो मैं सिखा रहा हूँ ना, काय को चिंता कर रहा है, चिंता ना कर बेटा, धांसू सर का क्लास ले फिर देख धांसू तरीके से, चिंता करने का जरूरत नहीं है। टाइमर को यहाँ ही रोक देता हूँ। आप देख इसको तो 31 सेकंड लग रहे हैं, पर हम तेरे को एक सेकंड से पहले, एक सेकंड से पहले उड़ाना सिखा दूंगा। यहाँ देख इसको गौर से देखिए, पांच है, इसको गौर से देख, मजा आए तो दबा के लाइक करने का, दबा के लाइक करना, शेयर करना, चिंता मत कर मेरे लाल, मुझे चिंता, धांसू सर पे विश्वास रख, धांसू सर पे विश्वास रख। ये पांच और ये आठ, मैंने कहा पांच के साथ जब भी एक सम संख्या दे रखी हो, मैंने आपको ये सिखाया पांच के साथ जब भी एक सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर, ईवन नंबर होता है। मैंने ये कहा पाँच के साथ जब भी गुणा में, पाँच के साथ जब भी गुणा में एक ईवन नंबर हो, पाँच के साथ जब भी गुणा में एक ईवन नंबर हो, वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, हमेशा जीरो में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पाँच गुणा आठ अगर मैं बात करता हूँ तो 40 होता है, समझ गए बात को। तो इसका पाँच और आठ दे रखा है, मतलब पाँच जब भी गुणा में दे रखा हो ना, गुणा में दे रखा हो, तो वो इसको हमेशा किस में कन्वर्ट कर देगा, जीरो में। कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, खत्म।
बस पांच को देखिए, अगर संख्या में पांच है और उसके साथ एक सम संख्या गुणा में दे रखी है, याद रखिए, मैं फिर बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल सी याद रखिए, अगर किसी भी संख्या में आपको पांच दिख जाए और उसके साथ एक सम संख्या दिख जाए तो याद रखिए पांच के साथ सम संख्या हमेशा जीरो बनाएगी, जीरो आंसर आएगा, हमेशा याद रखिए जीरो आएगा बेटा। और लाइक आंख मीच के सवाल को फोड़ दीजिए, एकदम तोड़ दीजिए सवाल को एकदम, जो है अगले सवाल पर, अगले सवाल पर आइए। चलिए भैया उड़ाइए उड़ाइए सवाल नंबर आठ, जल्दी से जल्दी, मुझे 10-20 सवाल आपसे बनवाने हैं, 20 सवाल आपसे बनवाना, डेली 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, उड़ाइए उड़ाइए। टाइमर टाइमर लो, लो भैया टाइमर, लो भैया टाइमर शुरू कर दिया, जीरो जीरो, लो बेटा टाइमर को यहाँ रखूँगा, टाइमर स्टार्ट, उड़ाओ भाई उड़ाओ, आज आपका दिन है सर, मैं उड़ा के जाऊँगा, ऐसा बोला करो सर मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो आग है, क्षमता है मेरे अंदर भी, शाबाश शाबाश शाबाश, अटैक अटैक अटैक, गर्दा उड़ाइए, ग्रैंड सलूट लेते जाइए एकदम, जो है इतना समय नहीं, इतना समय नहीं बेटा। मैंने बताया अगर इकाई का अंक पांच दे रखा है, काट दो सिर्फ पांच आएगा इकाई का अंक, अरे खत्म, पांच दे रखा है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना था, पांच ये सम संख्या है और ये पांच दे रखा था तो ये तो इसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा मेरे लाल, हैं, अरे गर्दा गर्दा गर्दा, ये यहाँ चार था यहाँ पांच था तो ये तो जीरो बना देगा, इसमें जीरो, क्वेश्चन खत्म। पांच के साथ जब भी सम संख्या गुणा में दे रखी हो तो दिमाग में याद रखिए हमेशा जीरो बना देगा पांच के साथ। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से जोड़ते जाइए बेटा, जब भी इकाई का अंक पांच हो और अगर उसके साथ सम संख्या हो तो वो हमेशा उसको जीरो बना देगा, याद रखिए हमेशा। बहुत बढ़िया, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट करिए, स्मार्ट हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करिए भैया, हमसे पढ़ने आए हो। चलो बेटा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये SSC 2016 में आया था, ये SSC 2016 में क्वेश्चन आया था, इसमें मिस्टेक होगी 100%, इसलिए इस पर टाइमर देता हूँ, इसमें 50% से ज़्यादा बच्चा मिस्टेक करता है इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से आप बताइए, स्पीड के साथ स्पीड के साथ स्पीड के साथ, अटैक अटैक अटैक, टाइमर को देखो, अरे टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, स्पीड के साथ, बहुत बढ़िया, बढ़ाइए अपना कलम का स्पीड, बढ़ाइए कलम का, जोड़ते जाइए सबको, हाँ शाबाश शाबाश, पढ़ते जाओ जोड़ते जाओ, पढ़ते जाओ जोड़ते जाओ भैया की महाकाल के आशीर्वाद से। गर्दा उड़ा दो, गर्दा 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 होना चाहिए गर्दा, हाँ ऐसा ट्रिक सिखा दिए हैं, क्वेश्चन आएगा यूनिट वैल्यू का, फाइंड यूनिट वैल्यू, और ऐसा क्वेश्चन ऐसा ट्रिक हम सिखा दिए, अभी आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, कांटा लगाते चलेंगे भैया, ये हमेशा जीरो थोड़ी आएगा, ये कांटा लगा, कांटा लगा, हाँ लगा, कांटा लगा दिए भाई, ये कांटा लगा दिए, ये कांटा लगा दिए भाई, ये कांटा लगा दिए, लो भैया कांटा लगा दिए, बहुत बढ़िया कांटा लगा दिए भाई, कांटा लगा दिए मेरे लाल, बताइए। बहुत आसान सवाल था, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीख लीजिए। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी अभी कि बेटा जो भी पावर दे रखी होती है ना, उस पावर को हमेशा चार से भाग करना होता, जो भी पावर दे रखी होती है उसको हमेशा चार से भाग करिए, चार से भाग करूँगा तो क्या आएगा, सात का पावर तीन, चार से भाग कर दूंगा तो कितना आएगा, तीन का पावर दो, ठीक बात है कि नहीं, चार से भाग कर दीजिए, चार से भाग कर दीजिए भैया, तो ये आ गया सात का पावर तीन, सात का पावर तीन होता है बेटा 343 और तीन का पावर दो होता है नौ, माइनस अगर कर देंगे तो 334, व्हाट इज़ द राइट आंसर, द राइट आंसर इज़ फोर, बताइए कितना समय लगा क्वेश्चन में, हाँ भाई, अरे चार से भाग करिए, चार एकम चार, चार दुना आठ, चार तिया बारह, तीन बचेगा, कितना बचेगा पावर, यहाँ पे तीन बचेगा और सात की पावर तीन, सात की पावर तीन कितना होता है 343, और यहाँ पे भाग करेंगे तो दो बचेगा, तीन का पावर दो कितना होता है नौ, ठीक बात है कि नहीं है। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो स्मार्ट तरीका, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ये किया है भाई, तीन में से नौ को माइनस किया तो माइनस छः, माइनस का तो कभी इकाई अंक हो ही नहीं सकता, क्या इकाई अंक कभी माइनस होता है, कभी नहीं होता, तो उसके लिए भी तरीका ये है कि यहाँ से कैरी ले लो, यहाँ से कैरी लो, अगर किसी ने ये ऐसे माइनस करना तीन में से तो कैरी ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये तेरह है और तेरह में से नौ को करेंगे तो जब भी कितना आ जाएगा, तेरह में से नौ को चार आएगा, जब भी चार आएगा, यहाँ से एक कैरीज पे ले लेंगे तेरह हो जाएगा, तब भी वैसे तो 343 में से माइनस करेंगे 334 तो आ जाएगा, अगर कोई यूनिट में से भी माइनस करना चाहता है तो यहाँ से कैरी ले लिया जाता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, दबा के लाइक और शेयर करने का बेटा एकदम, जो है चलो भाई ये क्वेश्चन तो अभी हमने करवाया था, जल्दी से उड़ा दो, अभी इस क्वेश्चन में मार कर मत चलाना, अभी मैंने करवाया था इस क्वेश्चन को, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, अभी करवाया था ये क्वेश्चन तो जल्दी से, क्या बताया था, सात की पावर लास्ट का दो नंबर ले लेते हैं, सात की पावर 99 प्लस में एक का हमेशा एक आएगा और ये सात की पावर 99 हो गया, कट गया भैया, व्हाट इज़ द राइट आंसर, वन हो गया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लीजिए भैया, जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से, स्पीड फास्ट, रैपिड फायर, क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा स्पीड बनाइए, 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं, जल्दी से थोड़ा स्पीड बनाइए मेरे प्यारे बच्चे, स्पीड बनाइए। तीन की पावर दे रखा है, चार से भाग करना होता है, मैंने क्या कहा, तीन की पावर चार से भाग करिए, तीन की पावर कुछ भी दे रखा है चार से भाग करिए, तो तीन तीन एकम हाँ चार एकम चार, कितना बचेगा, तीन का पावर दो बचेगा, चार का पावर सम और विषम, चार की पावर सम और विषम लेंगे, अगर विषम है तो बेटा चार आ जाएगा,
छः का हमेशा छः आता है, सात की पावर चार होगा तो हमेशा एक आएगा, आठ का पावर दो होगा तो आठ वाटू चौंसठ चार आएगा, नौ का पावर विषम संख्या है तो भैया नौ एकम नौ नौ आएगा, सीधी सी बात है कि नहीं है। क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तीन का पावर दो कितना होगा बेटा, नौ, नौ गुना चार गुना छः गुना चार गुना नौ। देखो भैया नौ चौक छत्तीस, छत्तीस का छः लिया फिर गुणा करिए छत्तीस, छत्तीस का छः लिया फिर छः, छः चौक का चौबीस, चौबीस का चार लिया फिर नौ चौक छत्तीस लिया, सिक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करनी होती है, इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करनी होती है, हाँ इकाई के अंक से, गर्दा गर्दा सिक्स आएगा बेटा, सिक्स 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 सिक्स, नौ चौक छत्तीस, छत्तीस का छः लेंगे, छः छिंगड़ा छत्तीस, छत्तीस का फिर छः लेंगे, फिर छः चौका चौबीस का चार लेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे, हार्ड क्वेश्चन पे चलना है, थोड़ा सा तगड़े क्वेश्चन बनाने जल्दी से। 111 का फैक्टोरियल, 111 का फैक्टोरियल कितना होता है रैपिड फायर, 111 का मतलब होता है 111 और गुणा में फिर 110, जल्दी से निपटाइए, जीरो जीरो इज द राइट आंसर। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, 111 को लिख सकते हैं 111 110, फैक्टोरियल हो गया ना, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 110 भी तो आएगा, 110 का मतलब है जीरो आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा भैया जीरो आएगा। उड़ाते चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से अगला क्वेश्चन लीजिए। देखो मैंने इसमें देखा पांच, पांच के साथ जब भी एक सम संख्या गुणा में है, मैंने देखा पांच, पांच के साथ जब भी एक सम संख्या गुणा में है तो इसको क्या बना देगा बेटा, ये इसको जीरो बना देगा। व्हाट इज द राइट आंसर, जीरो। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, अरे पाँच दे रखा है, पाँच के साथ कोई भी सम संख्या गुणा में अगर आएगी, सम संख्या ये सम संख्या ही तो है, तो जीरो बना देगा इकाई का अंक। याद रखिए हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 लो टाइमर लगा दिया, एक सवाल जल्दी से आप बनाइए, दो सवाल मैं बनाऊंगा, एक सवाल आप बनाइए जल्दी से, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे। 30 सवाल लेके आए हूँ आपके लिए, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेके आए हूँ जल्दी से जल्दी। हाँ भाई लास्ट के 10 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है वो बनाने हैं, थोड़ा सा चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। फैक्टोरियल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फैक्टोरियल को लेके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, वो हार्ड हार्ड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। लास्ट का अंक पाँच दे रखा है तो पाँच आ जाएगा, क्वेश्चन को देखिए लास्ट में पाँच दे रखा है। देखो पाँच का इकाई अंक हमेशा क्या होता है, पाँच होता है, छः की पावर कुछ भी दे रखा हो तो छः का हमेशा क्या होगा, छः होगा। और दो का लास्ट का दो अंक देख लीजिए, इसको लास्ट के दो की पावर ये हो जाएगा तिरपन, तिरपन को चार से भाग कर दीजिए, चार एकम चार फिर बचेगा चार, दो की पावर एक दो आ गया, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह दो कितना हो गया तेरह, तेरह का कितना आएगा तीन आएगा, थ्री इज द राइट आंसर। भाई आंसर को भी चेक करते चलिए, पाँच की पावर कुछ भी हो हमेशा पाँच आता है, सेम वैल्यू बताया था ना बेटा। और इकाई, ये इकाई के अंक से मतलब होता है, छः के पावर कुछ भी हो हमेशा छः आएगा, दो की पावर के लास्ट के दो नंबर को चार से भाग करके देखूंगा, चार से भाग करूंगा तो दो की पावर एक आ जाएगा, और दो की पावर एक क्या होता है दो, छः और दो आठ, आठ पाँच तेरह, तेरह का मतलब तीन आ गया, बिल्कुल सही है कि नहीं है। आंसर को भी चेक करते चलिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए भैया जल्दी से उड़ाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से स्पीड के साथ उड़ाइए बेटा, स्पीड के साथ। देखो पाँच का पावर कुछ भी दे रखा हो हमेशा पाँच ही आएगा, तीन का पावर लास्ट का दो नंबर ले लीजिए, तीन का पावर लास्ट का दो नंबर, चार दुनी आठ तो भैया तीन का पावर दो बचेगा, चार दुनी आठ, लास्ट का दो नंबर ले लीजिए, दो का पावर चार एकम चार, चार के बारह, ये दो की पावर एक बचेगा, ठीक बात है। पाँच तीन तिया नौ दो, नौ और पाँच चौदह, चौदह दो सोलह, छः आ गया, काम खत्म। सोलह का क्या लेंगे भैया, छः लेंगे। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाँच का पावर कुछ भी हो हमेशा पाँच आता है, तीन का पावर लास्ट का दो नंबर को चार से भाग करो। अरे बेटा लास्ट के दो नंबर को चार से भाग करना होता है, इसमें यही कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, चार से भाग करना होता है। अगले क्वेश्चन को ले लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, उड़ाइए उड़ाइए क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए यार, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। एक का पावर कुछ भी हो हमेशा एक रहेगा, लास्ट का इकाई अंक का पावर देखते जाइए, दो का पावर दो दुनी कितना होता है चार होता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, देखो आसान क्वेश्चन को मैं करवा लेता हूँ, आप भी करते रहिए मैं भी करता रहूँगा, फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वहाँ पे टाइमर, देखो आसान क्वेश्चन पे टाइमर नहीं दूंगा, 30 सवाल लेकर आऊँ 30 क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन पे टाइमर दूंगा, थोड़ा इनको जल्दी जल्दी करेंगे। तीन का पावर तीन कितना होता है बेटा जी, नौ होता है, चार का पावर सम संख्या चार चौक सोलह, छः आएगा बेटा, सिंपल सी बात है, चेक करते चलिए। पाँच का कुछ भी होगा हमेशा पाँच होगा, छः का कुछ भी होगा हमेशा छः होगा, ठीक बात है कि नहीं है। सवाल यहीं पर खत्म हो गया बेटा। देखो भैया चार और एक पाँच हो गया, पाँच नौ और पाँच चौदह, नौ और पाँच चौदह, ठीक बात है कि नहीं है। चार और एक पाँच, ये चार एक पाँच हो गया, नौ और पाँच चौदह, चौदह और छः कितना हो गया बीस, चौदह और छः बीस, और बीस और पाँच पच्चीस, और पच्चीस और छः कितना हो गया इकतीस, इकतीस का मतलब कितना हो गया वन, इकतीस का मतलब वन हो गया, थर्टी वन, वन इज़ द राइट आंसर। इकतीस का मतलब कितना हो गया वन हो गया। भैया आंसर को चेक करते चलिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना, जो है वन इज़ द राइट आंसर बेटा, वन 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 आएगा यार बेटा, वन आएगा, प्लस करना सभी को। पाँच हो गया पाँच, नौ और पाँच चौदह, चौदह और छः बीस, बीस और पाँच पच्चीस, और छः इकतीस, इकतीस का एक लेंगे, ठीक बात है कि नहीं। थम्सअप करते चलिए, थम्सअप करते चलिए। चलो भाई एक का पावर तीन, देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, इसमें देखो 93 तक है, हाँ प्रैक्टिस करिए थोड़ा 90, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा एन इंटू एन प्लस वन। भाई जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे ना उन पर समय दूंगा, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करो, 30 सवाल हैं, 30 क्वेश्चन है यार। हाँ इसकी पावर दो करेंगे,
याद रखिए एन इंटू एन प्लस वन, एन क्या होता है, लास्ट का नंबर होता है, एन लास्ट का नंबर होता है, तो मैं इसको लास्ट का नंबर एन क्या है भैया 99, और यहाँ पे 99 प्लस 1 बटे में 2, और इसका मैं वर्क करूँगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जब 99 और 1 होगा तो ये 100 नहीं हो जाएगा, 99 और 1 100 नहीं हो जाएगा क्या, 100 हो जाएगा, 100 का जब भी अगर 100 है इसमें 0 है, किसी भी संख्या में अगर 0 गुणा में आ गए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज द राइट आंसर, याद रखिए नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट था, एन क्यूब का कॉन्सेप्ट था, हमेशा 0 आ जाएगा। अगले सवाल पर चलिए, अगले सवाल पर चलिए, लीजिए भैया 4 का पावर 102 देखिए, और 4 का पावर यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया 103, लास्ट नंबर को देखते जाइए, लास्ट नंबर को अटैक करिए। ये 4 की पावर सम संख्या है, तो सम संख्या में हमेशा आता है 6, ये 4 की पावर यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्या में हमेशा आता है 4, हाँ तो कितना होगा 6 और 4 10, 10 का मतलब 0। अरे लास्ट हमेशा 26 से मतलब नहीं है ना, है 26 से मतलब, सिर्फ लास्ट के इकाई के अंक की पावर देखिए, इकाई के अंक की पावर, 4 की पावर ये विषम सम संख्या है, तो 4 की पावर सम संख्या हमेशा 6 होता है, 4 की पावर विषम संख्या हमेशा 4 आएगा, 4 की पावर सम संख्या क्या बताया था मैंने, हमेशा 4, 4 की पावर विषम संख्या, सम संख्या में क्या आएगा 6 4 4 16 6 आएगा, और सम विषम संख्या में क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा, सही बात है कि नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलिए, थोड़ा सा लीजिए अगला क्वेश्चन कर लो भैया, अब आप ये प्रैक्टिस ही आपकी प्रैक्टिस के लिए, चलो भैया जल्दी से उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, थोड़ा 7 दे रखा है, 7 में लास्ट का नंबर ले लो, 7 को लिखो 54, 54 को 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करूँगा 4 एकम 4 4 3 12 है, 4 एकम 4 1 4 3 12, 7 का पावर 2 बचेगा, 7 का पावर 2 49 49 का मतलब कितना हो गया 9 हो गया। हाँ भाई क्लियर है कि नहीं है, मजा आ रहा है, दबा के लाइक और शेयर करें, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। हार्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, ये ले लिया 215, यहाँ 2000 से मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का नंबर 3 लो और इसकी पावर, इसके लास्ट के 2 अंक लेने होते हैं 67, बस लास्ट के 2 अंक देखो, ऐसे निकाला जाता है इकाई अंक। सवाल में पूछा है यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू पे क्वेश्चन आएगा, इकाई का अंक पूछा है, तो आप क्या करेंगे लास्ट का इकाई का अंक लेंगे 3 और इसके लास्ट के 2 नंबर ले लीजिए, और इसको सीधा 4 से भाग करो, 3 4 एकम 4 2 बचा 4 सत्य 4 एकम 4 और 2 4 चौक 4 5 4 6 24 24 बचेगा, तो 24 में 3 तो 3 का पावर 3 3 3 होती है 27 का मतलब कितना आ गया 7 आ गया, क्वेश्चन खत्म। हाँ बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या करना होता है, लास्ट का नंबर को लेना होता है, इसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग करनी होता है, इकाई और ढाई की संख्या 4 से भाग होती है। अगले क्वेश्चन पे चलिए जल्दी से, 4 का दे रखा है, देखिए 5 के साथ जब भी 4 हो, 5 के साथ जब भी 4 दे रखा हो, देखिए याद रखिए बेटा ये 5 दे रखा है, और इसके साथ जब भी एक सम संख्या गुणा में है तो ये इसको हमेशा किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा, क्वेश्चन खत्म। इकाई का अंक क्या हो गया, फाइंड यूनिट प्लेट, फाइंड यूनिट वैल्यू, इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया, 4 के साथ जब भी एक सम संख्या गुणा, 5 के साथ जब भी एक सम संख्या गुणा उसको हमेशा 0 बना देगा, आंख बीच के आंसर पर टिक लगा देना बेटा, 0 इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन हो गया, चलो भैया 23वां क्वेश्चन, 7 की पावर 105, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, रैपिड फायर क्वेश्चन, देखो कितनी स्पीड से करवा रहा हूँ, लास्ट का 2 नंबर ले लीजिए 5 0 5, इसको 4 से भाग करो, 4 से भाग करूँगा तो 7 की पावर 1 बचेगा, 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 इज द राइट आंसर। ये स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हारी, मजा आ रहा है ना, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए बेटा, लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग करना होता है। बढ़िया क्वेश्चन पे टाइमर दूंगा, हाँ भाई बढ़िया क्वेश्चन पे टाइमर दूंगा, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आइए भैया, बढ़िया सवाल आ चुका है और अब मैं टाइमर को लेकर आऊँगा, ये बढ़िया सवाल है, जल्दी से बनाइए, टाइमर दे दिया, वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड स्पीड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करेंगे ना, दिमाग पे जोर पड़े। हाँ भाई देखो, 1 से 99,999 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर की संख्याओं का गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। अगर सभी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर दे दे, 1 से लेकर 99,999 तक के सभी जितने प्राइम नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट है उनमें यूनिट वैल्यू याद करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर। अब थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा बेटा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, वो तो आसान आसान क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाया तुम्हारा, फैक्टोरियल पे क्वेश्चन आएगा, मजा आए तो दबा के लाइक शेयर करते जाइए, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा बेटा, देखिए इतना समय नहीं लेंगे, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर। उसने कहा एक, देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2, फिर 3, हाँ ऐसे गुणा करते चलेंगे, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर उसके बाद क्या आएगा भैया 3, फिर उसके बाद क्या आएगा 5, फिर उसके बाद क्या आएगा 7, क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है, और 999 तक लेना है, 99,999 तक लेना है ना, कुछ नहीं करना, आपने देखा 5
और इसके साथ सम, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। देखो दिमाग स्मार्ट तरीके से काम करना होता है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो बेटा स्मार्टनेस पैदा कर लीजिए। तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करिए। देखो इसमें ये प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है 5, और इसके साथ ये सम संख्या गुणा में आ गई। तो मैंने बताया 5, जब भी प्राइम 5 के साथ एक सम संख्या गुणा में है, नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट पढ़ाया था, ये इसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। और किसी भी संख्या में अगर जीरो गुणा में है तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, हमेशा याद रखिए, उसकी यूनिट वैल्यू भी, लास्ट नंबर यूनिट वैल्यू जो आप कहते हैं, वो हमेशा जीरो। क्लियर है? हाँ, सबसे छोटी प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5 ऐसे गुणा में, तो 5 और 2 से मतलब समझ गए आप, जो 5 गुणा में है तो ये समझिए वो जीरो बना देता है। 5 हमेशा सम संख्या के साथ जीरो बना देता है। थम्स अप करते चलिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद ऐसे 5, फिर ऐसे 7, फिर हाँ 7 के बाद फिर 11, और ऐसे 99,999 तक करना है। तो मैंने देखा, जैसे ही सर मुझे मेरे दिमाग में आ गया, जैसे 5 था और जैसे मैंने 2 देखा, तो मुझे पता है गुरुजी ने बताया जैसे 5 के साथ सम संख्या गुणा में आ जाए तो बेटा जी उसको जीरो पे टिक कर देना, खत्म बात। कितना देर लगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट तरीके से करोगे तो नौकरी इसी साल दिलवा दूंगा बेटा। जय महाकाल बोलते दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, एकदम जो दबा के लाइक और शेयर जोड़ते जाइए कम से कम। अगला क्वेश्चन लीजिए भैया। आप देखिए, उन सभी अभाज्य संख्या को समुच्चय को जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम के गुणनफल में, बताइए क्या होगा। 2 से तो अधिक होंगी भाई, 2 से तो अधिक, 2 से तो ग्रेटर देन होगा। ये कह रहा 2 से ग्रेटर देन है और 222 से कम है। ये 222 से कम है, 222 से कम है, 2 से तो ग्रेटर है और इससे कम है, इससे ग्रेटर देन है और इससे कम है, उनके बीच के नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका इकाई अंक बताना है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, चुटकी बजाते निकालना सिखा दूंगा, चुटकी बजाते बेटा मजा आए। दबा के लाइक और शेयर करिए, दबा के लाइक और शेयर। उड़ाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। कतई जहर चलेगा एकदम, जो है कतई जहर। वो कह रहा है 2 से तो बड़ा होना चाहिए, कोतई जहर चलेगा बेटा, चिंता मत करो, बिल्कुल जहर चलेगा एकदम। ये 2 है, 2 से तो बड़ा होना चाहिए और 222 से कम होना चाहिए, एकदम जहर क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप चिंता मत करो। ऐसा जहर जो तुम्हें मजा दे देगा एकदम, हैं, बांध देगा। कांटा लगाता रहता हूँ, देखो भैया कांटा लग गया, ये कांटा लगा दिया और ये कांटा लगा दिया, लो भैया कांटा लगा, हाँ लगा। ले टाइमर भी ले, टाइमर के साथ करने का तुझे प्रैक्टिस, ये ले टाइमर ले, और आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आसान क्वेश्चन तो तुमने उड़ा दिए, फैक्टोरियल के क्वेश्चन देखना कहाँ पसीना आएगा तुम्हें। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए, कम से कम 3,000 लौंडे अब तक हो जाना चाहिए, 3,000 कम से कम हो जाना चाहिए, इतना दिमाग मत लगाइए। अब स्मार्ट तरीका सीखे, मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट तरीका भाई, 3,000 कम से कम हो जाना चाहिए अब तक जो है, 3,000 लाइक और 3,000 बच्चा हो जाना चाहिए था अब तक जो, 3,000 लाइक भी ठोकते चलो, लाइक और शेयर करते चलो। देखो स्मार्ट तरीका देखिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से बड़ा, उसने कहा सर 2 से बड़ा, तो मेरे दिमाग में आ गया सर 3 होगा, 3, फिर गुणा में क्या होगा सर 5 होगा, फिर गुणा में क्या होगा 5 के बाद फिर 7 होगा, फिर गुणा में क्या होगा फिर भैया 7 के बाद 11 होगा, ठीक बात है कि ऐसी नहीं, और बाकी भैया 222 से कम होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। देखो स्मार्ट तरीका सिखा रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। 2 से तो बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो बेटा बहुत आसान तरीका आपको सिखा रहा हूँ, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक, 3,000 पे पहुँचाइए कम से कम, महाकाल के आशीर्वाद से इतना मेहनत करते तुम्हारे लिए। पांतिया देखो 15, पांतिया 15 का 5 आ गया, फिर 7 से गुणा करना 7×5=35, फिर 11 से गुणा करना 11×5=55। याद रखिए हमेशा प्यार बच्चे, अब जो मैं ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ, ट्रिक सीखिए 5 की गुणा, याद रखिए 5 की गुणा, मैं लिख देता हूँ 5 की गुणा जब एक सम संख्या से की जाती है, तब वो जीरो में कन्वर्ट करता है, और 5 की गुणा जब एक विषम संख्या से की जाती है, विषम संख्या से, तब हमेशा 5 आएगा, याद रखना, तब हमेशा 5 आएगा, याद रखिए 5 की गुणा याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत धाकड़ ट्रिक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 5 की जो गुणा है, जब एक सम संख्या से ईवन नंबर से, सम संख्या का मतलब होता है इंग्लिश में ईवन नंबर से की जाती है, वो हमेशा जीरो बना देगा। 5 की गुणा जब एक विषम संख्या से की जाएगी, जब एक विषम संख्या से, हमेशा 5। देखिए 5×3=15, फिर 5 से गुणा किया, 5×7=35, फिर 5 से गुणा किया, 11×5=55, ऐसे करते चले जाइए तो हमेशा 5 ही आएगा। वट इज इकाई अंक, हमेशा क्या आएगा बेटा 5 आएगा,
इतना आसान थे। गर्दा उड़ा के नहीं होता, दिल से बताइए, गर्दा उड़ा के नहीं होता। गर्दा उड़ा, उड़ा 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 उड़ा। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं अगर 5 की पावर, 5 की गुणा एक इवन नंबर से करूंगा तो हमेशा 0 बनाएगा, 5 की गुणा अगर एक विषम संख्या से करूंगा, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर से करूंगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, 5। याद रखिए, 5 की गुणा जब भी एक विषम संख्या होगी हमेशा इकाई का अंक यूनिट वैल्यू 5 ही आएगा। ठोक दो दबा के लाइक और शेयर इसी बात पे, एकदम जो दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। चलो भैया अगला क्वेश्चन पे उड़ाइए जल्दी से, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस पे टाइमर देने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर लास्ट का 2 नंबर ले लीजिए, 2 की पावर 88 हो गया और ये 2 की 8 की पावर ये क्या हो गया भैया 22 हो गया। मैंने क्या ट्रिक आपको सिखाया था, जल्दी से ट्रिक मैंने क्या सिखाया था भैया, 4 से यहाँ भाग कर दो, 4 से यहाँ भाग कर दो, 4 से भाग कर दूंगा तो 4 दुनिया 8 पूरा भाग जा रहा है, तो 2 की पावर 4 से भाग जा रहा है तो 6 आएगा, यहाँ 4 से भाग 4 5 20 20 हो गया, तो ये हो गया 8 की पावर 2, 8 और 2 64, तो ये हो गया 6 और 4 10, और 10 का मतलब कितना हो गया 0। हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए, दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए। चलो भाई 32 की, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पर टाइमर दूंगा भाई, ये लो टाइमर, ये देखो ये SSC के क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आते हैं बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ये देखिए सवाल, देखिए कितना प्यारा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC 2016 का क्वेश्चन लीजिए भैया, जल्दी से उड़ाइए टाइमर से। 32 की पावर 32 32 32 32 जल्दी से बताइए, रैपिड फायर, बहुत बढ़िया, जल्दी से 2-3 सवाल फैक्टोरियल के भी करके जाइए भाई, फैक्टोरियल के क्वेश्चन करके जाइए, फैक्टोरियल के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। हाँ देखो बेटा, कुछ नहीं करना, इतना समय नहीं लेते भाई, अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करें यार, कम से कम लाइक और शेयर दबा के करना चाहिए आपको, जो है मजा आ रहा है तो सर दबा के लाइक और शेयर, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा भाई, दबा के लाइक और शेयर करिए, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जो है 3000 हो जाना चाहिए था। देखो 32 में कुछ नहीं करना, हमेशा 2 देखिए, ये 2 को लिया, अब 2 को लिया आपने, बस 2 को ये देखो 32 क्या होता है, 32 जो होता है ना, 32 को हमेशा आप लिखते हैं 8 चौक 32, 32 को लिखते हैं 8 चौक 32, इसका मतलब 4n का मतलब समझ रहे हो ना, n इसको मान लिया, n इसको ये हो गया 4, ये 4n मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 8 चौक 32, 4 गुना में n, n कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब 8 का ये 8 की, ये 4 की मल्टीपल है, 4n का मतलब ये 4 की गुणज है, 8 चौक 32 मतलब 32 4 का गुणज है कि नहीं है, 4 का गुणज है कि नहीं है, 32 4 का गुणज है, मजा आ रहा है दबा के, जहर क्वेश्चन चल रहा है एकदम, चिंता मत करिए एकदम, जो है बहुत जहर चल रहा है, ये 4 का गुणज है, ये 2 की जो पावर है ये 4 की गुणज है, अगर 2 की पावर 4 की गुणज है तो हमेशा 4 से भाग होगा कि नहीं होगा, वो सर हमेशा 4 से भाग होगा, अगर 4 से भाग होगा तो इकाई का अंक सदैव क्या आएगा, 6 आएगा, बताया था आपको 2 की पावर 4 से भाग होगी, अगर 2 की पावर 4 से होगी इकाई का अंक 6 आएगा, 8 की पावर भी 4 से भाग होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ट्रिक्स बताई थी आपको, बता मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन चलिए, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करिए हार्ड, अरे हार्ड से ही तो समझ में आता है, अरे आसान आसान सवाल तो दुनिया बना लेती है भैया। देखो फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके बाद, देखो ये देखो फैक्टोरियल, ये देखो फैक्टोरियल के क्वेश्चन, तगड़ा तगड़ा सवाल लेकर आया हूं बेटा, ये देखो फैक्टोरियल के क्वेश्चन, पसीना आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा बेटा, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, पसीना आ जाता है, ऐसे निकालना सिखा दूंगा चुटकियों में, चिंता मत करिए। पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, देखो तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से थोड़ा स्पीड के साथ चलिए, टाइमर को ले लेता हूँ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी उड़ाइए जल्दी से, 5-10 मिनट में सारा क्वेश्चन बना देंगे, स्पीड के साथ जल्दी से उड़ाइए, जो भाई लाइक और शेयर ठोक दो दबा के एकदम, जो है मजा आ रहा है ना, जल्दी से लाइक और शेयर ठोकते चलिए, जोर से चलिए स्पीड के साथ एकदम, जो है अरे गर्दा उड़ना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से, देखिए कैसे जबरदस्त ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको, जो है इतना समय नहीं लगेगा, समय ज्यादा नहीं, बस 10-10 सेकंड देंगे आप, 10-10 अब ज्यादा नहीं, अब 10-20 अब 10-10 सेकंड दूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा भाई, मजा आए तो दबा के लाइक शेयर करने का। देखो भाई 1-0 से, एक्चुअल में ये जो ऊपर नंबर है ना ये 10 की फैक्टोरियल है और बटे में ये 100 है, वैसे तो मैं तो एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकता हूँ, ये 10 का फैक्टोरियल है और बटे में ये 100 है, सीधा आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये देखो सीधा आंसर 8, कितना देर लगा कितना देर लगा ईमानदारी से बताइए, ये 10 की फैक्टोरियल है बटे में, अब आप कहिए सर कैसे आया है, चलो बता देता हूँ भैया लाइक और शेयर, कम से कम 3000 जुड़ जाना चाहिए अब तक 3000, देखो 1-0 से 1-0 काट दिए 1-0 से 1-0 कट गया, इतना तो समझ, तो बेसिक समझाता हूँ, 1-0 से 1-0 कट गया, ये देखो 5 की गुणा 2 से करूंगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 1-0 से फिर 1-0 और कट गया 1-0 से 1-0 और कट गया, अब यहाँ पे बचा 1, फिर बचेगा यहाँ पे 3, ठीक बात है कि नहीं है, फिर क्या बचा यहाँ पे जो है 4, फिर क्या बचा यहाँ पे 6,
फिर क्या बचा? सात। फिर क्या बचा? आठ। फिर क्या बचा? नौ। ये तो बचा भाई, दो कट गया, पांच गया, पांच दूनी दस हो गया ना, एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो वहां से कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का बेटा, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का। तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये देखो, तीन चार तिया कितना हो गया? बारह। फिर छह से गुणा करो, छह दुनी बारह, फिर छह सात दुनी चौदह, चौदह का चार, फिर आठ से आठ चौक बत्तीस, और नौ दुनी कितना हो गया? अठारह। अठारह का मतलब आठ आ गया। बताइए कितना समय लगा, ईमानदारी से बताइए कितना समय लगा। ये क्वेश्चन एसएससी की नींव है, एसएससी की नींव है। तीन दुनी छः, देखो पहले तीन तीन, चार तीन बारह, बारह का दो हुआ, फिर एक इकाई अंक लेते हैं दो, छः दुनी बारह, फिर बारह का फिर दो लिया, फिर सात दुनी चौदह, चौदह का चार लिया, आठ चौक बत्तीस का दो लेंगे, नौ दुनी अठारह, अठारह का आठ लेंगे। काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन पाइए, अगले क्वेश्चन पाइए, अटैक करिए, फैक्टोरियल पे आइए भैया, फैक्टोरियल। दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा दिमाग। अगर जिसने ये सवाल बना दिया, महाकाल के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ, सन 2020 में सरकारी नौकरी पक्की है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, सरकारी नौकरी स्टैम्प पैड पे ले जाना, सरकारी नौकरी पक्की है भैया, सरकारी नौकरी 100%। जो ये सवाल, अब जो ये सवाल है, अब जो पांच सवाल जो मैं दूंगा, जिस बच्चे ने पांच सवाल बना दिए, महाकाल के आशीर्वाद से दक, हाँ डंके की चोट पे बोलता हूं कि भैया 100% सरकारी नौकरी, उसकी कोई नहीं रोक सकता। अब जो पांच सवाल जो बना देगा, ये वो क्वेश्चन है जो दिमाग की नसों को खोलेगा, और ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं मैं इनका, ऐसा ट्रिक। जल्दी से लाइक और शेयर ठोकते जाइए स्पीड के साथ एकदम, जो है बहुत बढ़िया करिए जल्दी से, लाइक और शेयर ठोकिए जल्दी से। ये फैक्टोरियल के क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आते हैं, फैक्टोरियल के क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं। आपको ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा। जल्दी से ये टाइमर भी दे दिया, लो टाइमर, जल्दी से टाइमर पे, हाँ जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। इसी साल सरकारी नौकरी 2020 में मिल जाएगी बेटा, चिंता मत करिए। क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर देखिए ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, क्योंकि अब हम इसका ट्रिक बताने वाले हैं। चलो भैया ट्रिक बताने वाले हैं हम इसका, देखो ध्यान से सुनो। पहला तरीका मैंने आपको ये सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। लास्ट नंबर को लेना होता है, ये आठ लीजिए, इसमें दो को लेंगे, इसमें छः को लेंगे, और इसमें नौ को लेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ आठ को लिखा, लास्ट का दो नंबर लीजिए, ये 35, ये फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना, ये मैंने बताया जैसे पाँच का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है पाँच चार तीन दो एक तक गुणा होती है। फैक्टोरियल का मतलब होता है एक तक, तो 35, 34, 32 ऐसे गुणा, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। प्लस में दो, लास्ट का दो पावर लीजिए, ये हो गया बेटा 35 का फैक्टोरियल। फिर लेते हैं छः, और ये हो गया भैया हाँ छः के बाद है 59 की फैक्टोरियल। क्वेश्चन का लेवल देखिए ना भाई, लल्लन टॉप क्वेश्चन ही करवाता, बढ़िया सवाल पढ़ाऊंगा, जहर क्वेश्चन करवाऊंगा, जब ही तो नौकरी लगेगी। 59 का फैक्टोरियल, ये 9 को लूंगा मैं, 9 का पावर ये हो गया 99, ये हो गया 99 की फैक्टोरियल हो गया। हाँ लल्लन टॉप क्वेश्चन ही है, ऐसा क्वेश्चन जिससे सरकारी नौकरी पक्की है। अब देखिए बेटा ये बहुत आसान हो गया भाई, लाइक और शेयर जोड़ते जाइए, कम से कम अब तक 3000 हो जाना चाहिए था। स्पीड के साथ समझते जाइए, देखो जो 35 होता है, ध्यान से समझिए इस बात को, जो 35 होता है, 35 जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझेंगे, 35 जो होता है, 35 के बाद 35 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 35 फिर लिख सकता हूँ, देखो ऐसे 35 जो फैक्टोरियल है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 35, फिर उसके बाद 34, फिर उसके बाद 33, फिर उसके बाद 32। अब देखिए 32 का मतलब है इसमें 4 की मल्टीपल आ गई, 32 का मतलब इसमें 4 की गुणज आ गई, 4 की गुणज। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 4n, मैं इसको प्लस, मतलब 4 का मल्टी, 32 का मतलब क्या हो गया, 32 का मतलब ये 8 चौक 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, इसमें 4 का मल्टीपल है, ये 8 की पावर 4n। बेटा यहाँ देखो, देखो सवाल को पढ़ के जाइए, दो तीन सवाल रहते हैं बस, ज़्यादा नहीं। ये 2 की पावर ये आ गया, ये भी 4n आ गया, ये 6 की पावर ये भी 4n, और ये 9 की पावर ये भी 4n, क्योंकि इसमें 4 की मल्टीपल है। सभी में 4 की मल्टीपल वैल्यू मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी सर 4 की मल्टीपल वैल्यू। क्वेश्चन खत्म हो चुका है सर। देखिए अगर 8 की पावर 4 से भाग होती है तो मैंने बताया था हमेशा 6 आएगा, 2 की पावर 4 से भाग होती है, 4n का मतलब है इसकी पावर हमेशा 4 से भाग होगी तो 6 आएगा। 6 का कुछ भी दे दीजिए, हमेशा 6 का 6 होता है, मैंने आपको बताया था 6 का 6 होता है। 9 की पावर 4 का मतलब है एक समसंख्या है, समसंख्या का मैंने क्या बताया था बेटा जी, 1 आता है समसंख्या का। 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 1 कितना हो गया बेटा जी 19, 19 का कितना आएगा, 19 का 9 आएगा, 9 इज द राइट आंसर। ये सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, ये 4, इसमें 4 के मल्टीपल हैं, ये 35 फैक्टोरियल है, 35 है उनके, इसमें 4 की गुणज मिलेगी, 4 की गुणज मिलेगी, तो इसको 4n लिख सकते हैं, इसको 4n, इसको 4n, ठीक है। 8 की पावर 4 से भागोगी 6 आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, और 6 का हमेशा 6 होता है, हर 9 का हमेशा क्या था भैया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, और भी बढ़िया क्वेश्चन उसके बाद, जल्दी से, स्पीड फास्ट, एक दो तीन सवाल और बचते हैं, जल्दी से, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे जल्दी से। चलो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से, उड़ाइए लाइक और शेयर ठोकते जाइए स्पीड के साथ। देखो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ।
हाँ टाइमर भी समय ज़्यादा ले जाएगा, उससे बढ़िया स्पीड से बताऊंगा। एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, दो फैक्टोरियल का मतलब होता है दो गुणा में एक बराबर में दो, तीन फैक्टोरियल का मतलब होता है तीन दो एक बराबर छः, चार फैक्टोरियल का मतलब होता है चार तीन दो एक, चार तिया बारह, बारह दूनी चौबीस 24। पाँच फैक्टोरियल की जब मैं बात करूँगा ना तो ये हो जाएगा पाँच चार तीन दो एक। तो पाँच के साथ हमेशा क्या है कि एक सम संख्या गुणा में आएगी तो इसको जीरो बना देगी। याद रखिए मैं यहाँ पे आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ऐसे सवालों का ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, फैक्टोरियल के क्वेश्चन है बेटा, बड़े तगड़े तगड़े सवाल है, पेपर में आते हैं हर साल, अब ये क्वेश्चन आना शुरू कर दिया है। ध्यान दीजिए पाँच का जो मामला है ना, पाँच के इसमें देखिए पाँच चार तीन दो एक की जब बात कर रहे हैं तो पाँच का जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आता है, पाँच से बड़ा अगर कोई भी फैक्टोरियल है, पाँच से बड़ा मतलब पाँच से बड़ी जो भी संख्या, जैसे छः फैक्टोरियल है, सात फैक्टोरियल है, आठ फैक्टोरियल, उनका इकाई अंक हमेशा याद रखिए हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि उसके गुणा में क्या होगा, हमेशा पाँच गुणा में होगा। जब भी पाँच गुणा में होगा तो पाँच से बड़ा जितना भी संख्या, पाँच से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उनके फैक्टोरियल हमेशा क्या इकाई अंक क्या आएगा, जीरो ही आएगा। याद रखिए क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। तो ये एक फैक्टोरियल था, तो एक फैक्टोरियल था तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक की पावर, एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, एक की पावर एक क्या हो गया भैया एक, दो फैक्टोरियल का मतलब दो होता है भैया, और दो की पावर कितना हो गया दो, तो दो दुनी हो गया चार, तीन फैक्टोरियल का मतलब छः होता है, और छः की पावर तीन था तो बेटा जी छः हो गया, और चार फैक्टोरियल का लास्ट का ले लेते हैं चार, एक आई अंक चार है, और चार की पावर में कर दूंगा, चार की पावर चार है, सम संख्या है तो सम संख्या तो छः आता है मेरे प्यारे बच्चों। पाँच के बाद तो जीरो होगा ना, पाँच फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा हमेशा जीरो। याद रखिए पाँच फैक्टोरियल से बड़ी जो भी संख्या होती है उसका हमेशा क्या आएगा बेटा जी, जीरो आएगा, उसका हमेशा जीरो आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए उसका हमेशा जीरो आएगा। मैं इसका सम करूँगा, चार और एक पाँच, छः और पाँच ग्यारह, चार और एक पाँच, छः और पाँच ग्यारह, ग्यारह और छः सत्रह, सेवनटीन, क्योंकि पाँच फैक्टोरियल से ऊपर जो भी नंबर होगा इसका इकाई अंक हमेशा जीरो होगा। याद रखिए पाँच फैक्टोरियल से ऊपर जो भी होगा ना उसका जीरो होगा, तो चार तक लेके इसको जोड़ देंगे सत्रह, सत्रह का मतलब हो गया सात, तो सेवन इज़ द राइट आंसर, ये सेवन आपका राइट आंसर है। ठीक बात है, पीडीएफ इस टेलीग्राम में डालूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन और बढ़ता है, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, कर लेना बेटा, इस टाइप का सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है, ये प्रैक्टिस के लिए। हाँ ये क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस के लिए कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। ये क्वेश्चन आपके, एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बनवाया था। जब भी ऐसा सवाल आपके पेपर में आ जाए, जब आप देखते हैं पाँच और पाँच के साथ जब भी एक सम संख्या गुणा में है तो इसको हमेशा किसको बना देगी, जीरो में बना देगी। पाँच के साथ जब भी एक सम संख्या है तो जीरो बना देगी, याद रखिए जीरो इज द राइट आंसर। पाँच के साथ जब भी एक सम संख्या है तो इसको जीरो बना देगी, सही बात है कि नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, चार नौ की दो, चार नौ की दो, चार नौ की दो। हाँ याद रखिए इस बात को, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चार की पावर एक हमेशा चार होगा, चार की पावर तीन हमेशा चार होगा, और चार की पावर पाँच दे रखा है ये भी हमेशा चार होगा। विषम संख्याओं में हमेशा चार आता है। अब नौ का पावर जो दो होगा वो एक होगा, नौ की पावर चार होगा तो वो एक होगा। मेरा कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है, बहुत प्यारा सवाल है, चार की पावर देखो एक दे रखा है तो हमेशा ये चार होगा, नौ का एक होगा। देखो चार की अगर विषम संख्या होती है तो हमेशा चार, नौ का सम संख्या होता है तो इकाई का अंक सदैव क्या आता है, एक आता है। तो चार एक ये हो गया बेटा, चार ये एक, बेटा ये चार ये एक, ये ऐसे अपना जो पेयर बनेंगे, ये चार और ये हो गया एक, ये ऐसे कितने पेयर बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, चार गुणा एक के ऐसे कितने पेयर बनेंगे बेटा, 50 पेयर बनेंगे। सीधी सी बात है कि नहीं है, चार गुणा एक के ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। तो ये हो गया चार की पावर 50। चार की पावर 50 का मतलब क्या है, ये चार की पावर 50 का मतलब है ये एक सम संख्या है, और चार की पावर जब भी एक सम संख्या होगी इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो 6 इज द इसका राइट आंसर था, 6 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसमें ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चार आ जाएगा, इसमें एक, इसमें जमा होगा, उसमें गुणा था, इसमें जमा होगा, उसमें गुणा था, तो ऐसे ही कितने पेयर बनेंगे, तो ये चार जमा एक के ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे 50 पेयर बनेंगे। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, चार जमा एक के ऐसे कितनी संख्या बनेंगी, 50 संख्याएँ बनेंगी। तो चार और एक कितना हो गया, हाँ ऐसी कितनी संख्या बनेंगी, 50 बनेंगे, चार और एक हो गया पाँच, पाँच और पचास का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक सदैव क्या आ जाएगा भैया, जीरो आ जाएगा। हाँ हाँ
50 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा ये 250 हो जाएगा। 250 का मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा जी, जीरो आ जाएगा। जीरो इज द राइट आंसर है। पहले का आंसर आएगा, पहले का जो आंसर आएगा मेरे बच्चे 6 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 4+1, 4+1 के कितने पेयर बनेंगे, ऐसे 50 पेयर बनेंगे। तो ये 4+1 के कितने पेयर बने भैया, 50 पेयर, तो 5 × 50 कितना हो गया, 250। क्लियर है कि नहीं है बेटा, मज़ा आया कि नहीं आया। बस बस, जीरो इज द राइट आंसर। 250 का मतलब जीरो इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बाकी ये जो क्वेश्चन है मैंने ये क्वेश्चन दिया, देखो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, घर से प्रैक्टिस कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को घर से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे के का ऐसा नंबर रखिए जो इकाई का अंक 6 आए, तो देखो 8 रखेंगे जब भी 6 आएगा, और 2 रखूंगा जब भी 6 आएगा, और 6 रखूंगा जब भी 6 आएगा, तो इसका मतलब सभी है भाई 8, 4 से भाग हो रहा ना, 4 × 4, 4 × 8 = 32, ये 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। अरे 72 हमेशा 4 से भाग होता है, 4 से पूरा पूरा भाग, 4 × 4, 4 × 8 = 32, तो इसका मतलब 8 का भी, 2 का भी, और 6 का हमेशा इकाई अंक क्या होता है, 6 ही होता है। तो उपरोक्त सभी आंसर है। बाकी ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करना, ये सवाल आपका प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम में मैथ्स में ध्यान सुसर यहाँ पे। और कल आपकी महामैराथन है मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं हाइट एंड डिस्टेंस पे आपकी महामैराथन लेने वाला हूँ, बहुत बढ़िया क्लास, हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट, रेशो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को उड़ा दोगे। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाना बेटा, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर, कम से कम 3000 लाइक ठोक दिया करो, कम से कम 3000 लाइक ठोक दिया करो भैया, जाने से पहले एकदम जो 3000 लाइक हो जाना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से, जाने से पहले 3000 लाइक हो जाना चाहिए, कम से कम 3000 लाइक हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हो गुरुजी एकदम बढ़िया क्लास देते रहे आपको। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं आपके लिए डाल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम में, ये PDF PPT मैथ्स बाय ध्यानेश्वर दलवीनागर लिखा होगा, इसमें 11000 बच्चे हैं, इसके साथ जुड़ जाना, 11000 स्टूडेंट है, ठीक है। ये मेरा टाइम टेबल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया स्पीड मैथ के नाम से, यहाँ डेली ट्रिक और यहाँ कंसेप्ट सिखाता हूँ, और यहाँ पर एडवांस और अर्थमेटिक का क्लास होता है, और ये मेरा क्लास 10 बजे चलता है, ये 2 बजे का, 4 बजे क्लास हो गया एडवांस मैथ का, ये अनअकैडमी पर है फ्री क्लास जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ठीक बात है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा कोड है धांसु सर, आपके लिए एक स्पेशल बैच पेड बैच लेके आ चुका हूँ 20 अगस्त से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा दलवीर नागर के नाम से, फॉलो करो मेरे को दलवीर नागर के नाम, भाई लाइक और शेयर ठोक दो, कम से कम 3000 होना चाहिए, हो जाना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। ये देखिए दलवीर नागर के नाम से मेरे को फॉलो करिए बेटा, और यहाँ फॉलो कर दोगे माय डियर मेरा सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं स्पेशल क्लास आपको दे रहा हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ पर डेली ट्रिक चलता है 12 बजे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये फाउंडेशन कोर्स की जगह मैं 20 अगस्त को कोर्स लेके आ रहा हूँ, 20 अगस्त को मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ, कंप्लीट मैथ का कोर्स लेकर आ रहा हूँ 20 अगस्त को, इस बात का ध्यान रखना, कंप्लीट मैथ का कोर्स लेकर आ रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे। देखिए कौन सा है, मैं आपको एक फोटो दिखा, ये वाला है कंप्लीट मैथ, 90 डेज का टारगेट बैच, पहला बैच मेरा आ रहा है अनअकैडमी प्लस पे, फर्स्ट बैच जो SSC के लिए है, NTPC के बच्चे जो बार बार डिमांड कर रहे थे, और ये ऑल एग्जाम, कोई भी परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ आपके पेपर में आता है, तो भैया धांसु सर का क्लास लीजिए, हमारा बैच ले लीजिए अर्थमेटिक और एडवांस का है। तारीख कब है भैया इसका, इसका तारीख है 20 अगस्त, 20 अगस्त को स्टार्ट होने जा रहा है, 20 अगस्त को ये स्टार्ट हो रहा है, 20 अगस्त को, इसी 20 अगस्त को आने वाला है, 20 दिन बाद ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें इतना बढ़िया क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले, कम से कम 2000 सवाल ऐसे पढ़ा दूंगा जो पेपर में आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, NDA, CDS, UPSC, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और हमसे ट्रिक पढ़ना चाहते हैं, धांसु सर से सीखना चाहते हैं, बस एक चीज़ याद रखना कि बेटा देखो बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा, पेड बैच है, 5 to 6 चलेगा, अनअकैडमी प्लस पे चलेगा मेरे, बस कोड हमेशा लगना चाहिए भैया धांसु सर, DHASU धांसु SIR सर, भाई अगर इतना सम्मान करते हो तो हमारा कोड लगाइए, हमारा रेफरल कोड है, जो मेरा रेफरल कोड है वो धांसु सर है, DHASU धांसु SIR सर, इसको लगाना मत भूलिए, और लाइक और शेयर दबा के ठोक दो भैया। अनअकैडमी पे कैसे फॉलो करोगे, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर कहां जाओगे, उसके बाद SSC एग्जाम पे जाओगे, फिर दलवीर नागर को फॉलो करोगे, यहां फॉलो करने के बाद सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, बैच को कैसे खरीदा जाएगा, ठीक बात है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपका जो मन करे महीने का ले लीजिए, आपका मन करे साल के में थोड़ा फ़ायदा होता है, साल का 6000 का डिस्काउंट के बाद आपको 5400 का पड़ जाएगा 10%, अगर हमारा कोड लगाओगे, ये कोड है DHASU धांसु SIR सर, मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात को बहुत बढ़िया, ये कोड है भैया धांसु सर, बड़ा आसान कोड है DHASU धांसु SIR सर, रेफरल कोड लगाना मत भूलिए माय डियर, और ये आपके लिए मैं बेच लिया हूँ। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया, मजा आया भैया, लाइक और शेयर बनता है, कल आप इंतजार करिए, कल आपके लिए बहुत धांसु ट्रिक, बहुत गर्दे वाले क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा, हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा जैसा कल मैं पढ़ाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे का नॉन स्टॉप क्लास आपके लिए महामैराथन में लेकर आ रहा हूँ, कल इंतजार करिए माय डियर स्टूडेंट, कल क्वेश्चन से शुरुआत होगी, धमाकेदार शुरुआत होगी मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास का इंतजार करिए, बहुत तगड़ा और धाकड़ क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, और हमेशा मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका अपना डांसर बेटा, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है लाइक और शेयर उसको इतना कर दीजिए, इतना फैला दीजिए कि मेरा बच्चे
कि उन बच्चों का भी भला हो सके जो लॉकडाउन में फंसे हुए। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे अनअकैडमी पे दलबीर नागर के नाम से फॉलो करिए। धांसू सर से आपको नहीं मिलेगा मेरा प्रोफाइल, दलबीर नागर के नाम से मेरा जो रियल नेम है। और 20 अगस्त को मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश, 20 अगस्त को मैं पेड बैच लेकर आ रहा हूँ 5 to 6 PM। ये इस बैच को लेना मत भूलिए, ये इतना शानदार बैच आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ऐसे सवाल पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं कोई बैच लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कंप्लीट मैथ स्पेशल का बैच, पूरा अर्थमेटिक और एडवांस का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, अर्थमेटिक और एडवांस के बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जो भी जितने चैप्टर है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगता है तो भैया लाइक और शेयर कर दीजिए। अब जय हिंद जय भारत, और कल इंतजार करिए 8 बजे क्लास का, बहुत शानदार धाकड़ क्लास लेके आ रहा हूँ आपके लिए।